नमस्कार दोस्तों, निशांति एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेलीगेशन तक कवर कर लिया था, जिसमें मैंने रिक्रूटमेंट और नेगोशिएशन मैंने नहीं कवर करवाया था। मैंने बोला था कि तबीयत ठीक नहीं लग रही है, सो हम लोग इसे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो इस पार्ट में हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल का पार्ट 4 है, जहाँ जो मेन टारगेट है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कवर करना। ठीक है, काफ़ी एग्जॉस्टिंग टॉपिक है ये, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं, बिजनेस स्टडी से जुड़ी हुई हैं, तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके इसका जो नोट्स है, पहली बार मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितनी सीरीज मैंने निकाली है उसमें मैंने आपको कहा कि वीडियो इम्पॉर्टेंट है, बाकी नोट्स आप बनाते हुए चलना। यहाँ मैं पहली बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे वीडियो तो देखनी ही है, क्योंकि बिना देखे कुछ नहीं समझ में आने वाला, सब बाउंस जाएगा आपके ऊपर से। ठीक है, तो वीडियो तो देखनी है, इसका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ये नोट्स की एक एक लाइन जो है क्लियर होनी चाहिए आपकी। अगर क्रिस्टल क्लियर है तो आप बहुत आराम से जो है क्वेश्चंस में आप आंसर करके आओगे। ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर कर रहे हैं ना तो फिर रह जाएगा फिर। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अलग अलग जो मेरे प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप वाले, टेलीग्राम वाले, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी अगर आप पहली बार आए हो तो। हाँ, तो बात कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग अभी कवर करने वाले हैं इसमें, और साथ ही साथ क्या करेंगे, नेगोशिएशन और रिक्रूटमेंट का जो टॉपिक जो रह गया था वो भी कवर करने वाले। बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो पावर पैकेज का जो कोर्स मैंने निकाला हुआ था, इससे रिलेटेड जो है कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगा कि जिन स्टूडेंट्स ने ये कोर्स परचेज करा हुआ है वो पैनिक ना हो कि आपको यहाँ पे पेपर वन और पेपर टू के अंदर जो सेट्स हैं वो आपको नहीं दिख रहे होंगे, या दिख भी रहे होंगे तो वो लाइव नहीं है। उसका कारण ये है कि 2-3 सेट प्रिपेयर हो रखा है, लेकिन उसे अभी हमने डाला नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था कंटेंट बनाने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो इसीलिए जो है मैंने होल्ड में रखा हुआ है कि मैं एक बार रिव्यू कर लूँगा, उसके बाद आप लोग डालना। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे अभी नहीं डलेगा। आपको जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी उसके 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी। पहला क्या कि पेपर वन और पेपर टू के 2 से 3 सेट्स आपको मिलेंगे, प्लस और क्या मिलने वाला है, एक शेड्यूल मिलेगा कि बाकी के जो सेट्स होंगे वो कैसे अपलोड होंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तीसरा जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, सेट्स हैं, वो आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐड होता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और चांसेस है आप ये रीड मोड के बटन पे क्लिक करना तो आपको एक डेट दिखेगी, उस डेट के अंदर अंदर लगभग में सारे कंटेंट आपको, मैक्सिमम कंटेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो अभी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं इस पे बेस्ड आपको एक इसी कोर्स के अंदर एक टेस्ट दिखेगा 30 क्वेश्चंस का, वो जरूर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, वो अभी डाले नहीं गए हैं, चांसेस है 3 से 4 दिन के अंदर वो अपडेट हो जाएगा, वो जरूर करना, क्योंकि उसे जब आप कर लोगे ना तो आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका जवाब कैसे होना चाहिए। ठीक है, कैसे आप सोचोगे उसका जवाब। ठीक है, सो क्लियर हो गया। कुछ डाउट्स थे स्टूडेंट्स के इस कोर इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, कि पहला जो डाउट है वो बाइलिंगुअल है, यानी तो ऑब्वियस है जब पीडीएफ डाउट बाइलिंगुअल हो रही है मेरी, तो जो टेस्ट होगा वो भी बाइलिंगुअल ही होगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको इसके अंदर कंटेंट दिखेगा। दूसरा जो डाउट है कि पीडीएफ इसका अवेलेबल है या नहीं, तो ये टेस्ट है, आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, अटेम्प्ट करने के बाद दोबारा से रीअटेम्प्ट कर सकते हो। आई थिंक 2 या 3 रीअटेम्प्ट है, प्रैक्टिस जितने भी सेट्स होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज उसके आपके अटेम्प्ट हैं, लेकिन जो पेपर वन और पेपर टू के सेट्स हैं इसमें आपको री अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने एक बार सबमिट कर दिया तो सबमिट कर दिया, वो दोबारा से जो है री अटेम्प्ट का ऑप्शन वहाँ पर नहीं आता। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर आएगा भी तो वो मिसयूज ही करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो इसके कारण जो है इस तरीके का कुछ भी टेक्निकल हम लोगों ने इसे अप्लाई करा ही नहीं है, मतलब टेक्निकल चीज़ें हैं कि दोबारा जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है उसमें दोबारा अटेम्प्ट ना हो। ठीक है, और फिर अगर अटेम्प्ट हो भी जाता है तो फिर आपको जो ऑल इंडिया रैंकिंग मिलती है ना उसमें फिर वो सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डाउट्स हैं। इसके अलावा अगर आपके कुछ और डाउट्स होंगे तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, प्राइसेस जो है 1500 समथिंग है, लेकिन GST लगा करके, लेकिन अभी फिलहाल जो है 33% ऑफ पे मिल रहा है, 1026। ठीक है, 1026 में मिल रहा है 10% का, आई थिंक और ऑफ चल रहा है, आप 10% का कूपन कोड अप्लाई करोगे तो 900 समथिंग का ये पड़ेगा, तो ले सकते हो, अच्छा कंटेंट इसके अंदर आपको मिलेगा उसकी मैं गारंटी लेता हूँ। और एक रिक्वेस्ट है सारे स्टूडेंट से जिन्होंने ये कोर्स परचेस करा हुआ है, आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लग रहा है कि स्टेट टेस्ट के अंदर ये फॉल्ट है, ये कमी है, तो वो बताइए,
आप अच्छाई बताओ मत बताओ उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो बुराई है वो जरूर से शेयर करना, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9717782301, इस पे स्पेशली आकर के मुझे मैसेज कर देना कि सर आपने जो टेस्ट सीरीज जो बनवाई है उसके अंदर यहाँ पे इशू है, तो 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर वो रिजोल्व हो जाएगी, लेकिन अगर आप नहीं बताओगे तो फिर वो कभी रिजोल्व नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। डायरेक्ट आते हैं हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं वित्तीय प्रबंधन, ठीक है। अब देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, उसे समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे काम करता है। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी चीजें पढ़ ली, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वगैरह सब जो कवर कर लिया, इन सब के ऊपर अगर कुछ है बिजनेस के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो क्या है। मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आप बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो कि ये बिजनेस जो मेरा बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सही तरीके से चले, स्मूथली चले, तो ऐसा क्या चीज है जो आपको हर एक स्टेप पे लेने पड़ेंगे, ठीक है, हर एक स्टेप पे उससे रिलेटेड चीजें करनी पड़ेंगी। क्या होता है वो डिसीजंस होते हैं, ठीक है। अगर डिसीजंस आप सही लोगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, अगर आप डिसीजंस गलत लोगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हो, अगर आप अपने प्रिपरेशन में अगर आप डिसीजंस पॉजिटिवली लोगे तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा, नेगेटिव डिसीजंस लोगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगा, सिंपल। तो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक स्टेप पे हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेस के सक्सेस या ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस से बिलोंग करता है। ये डिसीजंस में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। फाइनेंस मतलब बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस लग रहा है, जो पैसा लग रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। तो जो पैसे से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड जो डिसीजंस हैं उन्हें हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस कहते हैं। तो बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम पैसों को किस तरीके से लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं। तो फाइनेंशियल डिसीजंस जो बंदे ले रहे होते हैं बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो हमेशा तीन चीज़ों पर बहुत गौर करते हैं। मतलब उनका जो कोर एरिया होता है, मतलब जब भी वो डिसीजन ले रहे होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल फिर जो भी लॉस होगा बिजनेस के अंदर उसके मेन जिम्मेदार कौन होंगे, वही होंगे जो फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं। तो जो फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन क्यों मैं बोल रहा हूँ, डिसीजंस क्यों नहीं बोल रहा, ठीक है। देखो डिसीजंस तो बहुत तरह के हो सकते हैं ना, लेकिन फाइनेंशियल डिसीजंस यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि एक बिजनेस या एक ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे मेन एम है, मेन मोटिव है, वो क्या है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट कमाना। दूसरा फिर होता है कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चले, ठीक है। तो जो पहला इंपॉर्टेंट जो गोल है बिजनेस का या ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है, हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है, ये मेन गोल हो गया, ठीक है। तो प्रॉफिट मिलना चाहिए, तो प्रॉफिट मतलब फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, यानी जो डिसीजंस होंगे यहाँ पे वो फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे। तो ये जो फाइनेंशियल डिसीजंस होगा वो तीन चीजों को ध्यान में रख के लिए आता है। पहला, केयरफुल फाइनेंशियल प्लानिंग। जो हमने प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग में एक प्लानिंग का जो पार्ट होगा वो फाइनेंस से जुड़ा होगा कि जो फाइनेंस है वो पैसा है, उसे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग होगी ये बहुत ही ध्यान से वो लोग ऑब्जर्व करते हैं जब भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है। तो दूसरा, कैपिटल स्ट्रक्चर को समझना। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, ठीक है, आप निवेश कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप जो फाइनेंस है उस फाइनेंस का कौन सा पार्ट किस जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसके लिए जब हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमारा खर्चा कितना का बैठ रहा है, ठीक है, जो कॉस्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का भी कॉस्ट होता है। आप कहीं पे पैसा लगाने जा रहे हो तो जो पैसा लगा रहे हो उसे लगाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे अभी ज्यादा घुसोगे तो, ठीक है। तो मतलब क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि कौन सा पैसा को कहाँ लगाना है बिजनेस के अंदर, ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। और दूसरा, बिजनेस के अंदर रिस्क क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे निकल सकता है और रिस्क कितना हो सकता है किस डिसीजन को लेते समय, या अगर हमने ये डिसीजन चूज करा तो यहाँ पे रिस्क कितना है, ठीक है। तो फाइनेंशियल डिसीजन जो हैं वो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक, केयरफुल फाइनेंशियल प्लानिंग, मतलब अगर हमें फाइनेंशियल डिसीजन लेना है या जो बंदा बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा है वो तीन चीजों को लेकर के बैठता है, ठीक है, हमेशा।
एक फाइनेंशियल प्लानिंग को और सही से उसे ऑब्जर्व करता है कि भाई सारी चीजें सही है या नहीं। दूसरा कैपिटल स्ट्रक्चर को उसे अच्छे से समझना है, तभी जाके वो एक सही फाइनेंशियल डिसीजन लेगा, ठीक है। और तीसरा, एक बिजनेस ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्क कहाँ कहाँ है और प्रॉफिट कहाँ कहाँ जनरेट हो सकता है। जैसे ही उन्होंने इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद जो है वो एक सही फाइनेंशियल डिसीजन लेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डिसीजन जो है वो बिजनेस के फाइनेंस से संबंधित है, उसी से जुड़ा हुआ है। और कैसे जुड़ा हुआ है, ये हमें ये बताता है कि बिजनेस का जो फाइनेंस है, मतलब बिजनेस का जो पैसा है, बिजनेस की जो मनी है, उसे हम लोग कहाँ इन्वेस्ट करें, किस जगह पे लगाएं, ठीक है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सके। अगर हम पैसा लगा रहे हैं वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है, बेकार हो गया डिसीजन लेना वहां पे हमारा। अगर हम पैसा लगा रहे हैं वहां पे, तो उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन हो, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ये नहीं कि फालतू का बेकार चला गया, वो चीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है, मतलब ये जिस तरह से हम लोगों ने डिसीजन लिया, तो इससे हो क्या रहा है, फाइनेंशियल डिसीजन लिया, तो इससे क्या हो रहा है कि जो बिजनेस का जो फाइनेंस है, ठीक है, वो मैनेज हो रहा है, ठीक है। और यहां से कॉन्सेप्ट निकलता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, क्लियर। तो बेसिकली जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो है क्या, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ क्रूशल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का एक क्रूशल कंपोनेंट है दैट फोकसेस ऑन इफेक्टिव एंड इफिशियंटली यूटिलाइजिंग बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस मतलब बिजनेस में लगाया जाने वाला फाइनेंस, यानी बिजनेस में लगाया जाने वाला पैसा, वो इफेक्टिवली, ठीक है, और इफिशियंटली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, ये हमें कौन बताता है, ये हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो बताता है। क्लियर हो गया। अब समझो जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वो क्या है। यहाँ पे आपको तीन पॉइंट्स दिख रहा है, लेकिन इसे हम तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य, जो एम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो क्या है। तो सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट एम है, जो चांसेस है आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है, वो क्या है कि जो शेयर होल्डर होंगे बिजनेस के, चलो ठीक है, समझने से मतलब है यार, ये कलर थोड़ा ज्यादा डीप हो गया, ठीक है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मेन है, वो क्या है कि जो शेयर होल्डर्स हैं या जो ऑनर है, ठीक है, शेयर होल्डर मतलब जो बिजनेस में जिनका शेयर लगा हुआ है, ठीक है, उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। वेल्थ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा उन्हें प्रॉफिट मिल सके, ये पहला ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। मतलब हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, आपको ऑप्शन में दिखेगा, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ, ठीक है, शेयर होल्डर का वेल्थ जो है वो मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है, या ऑनर, शेयर होल्डर की जगह पे ऑनर भी मिल सकता है आपको, तो ऑनर का जो वेल्थ है, ऑनर का जो पैसा है वो मैक्सिमम हो, ठीक है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्लियर हो गया। दूसरा, जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन हो सके। अब बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन कब होगा, जब उसे बहुत भारी लॉस नहीं होगा। ये बहुत भारी लॉस कैसे नहीं होगा, जब उसके पास प्रॉफिट अच्छा खासा होगा, ठीक है। रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी इतनी सक्सेसफुल क्यों है, ठीक है, वो नए नए प्रोजेक्ट में घुसती है, ठीक है, घुस रही है, उन्होंने ऑलरेडी अपना बैकअप बना के रखा हुआ है पहले से बहुत सारे सेक्टर्स में, तो कुछ नए प्रोडक्ट में जब वो घुस रही है, तो स्टार्टिंग का वो लॉस जो है कितना भी हो जाए वो बियर करने के लिए तैयार है। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें यहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, जिसके कारण वो इस वाले जगह पर सर्वाइव कर जाएगी। लेकिन स्टार्टिंग में, चूंकि बिजनेस का ही नेचर ही होता है कि आपको स्टार्टिंग में तुरंत जो है प्रॉफिट दिखना शुरू नहीं होता, पहले तो हर एक चीज पहले जो है मांगती है, ठीक है, भाई मेरे लिए तुम कितना डेडिकेटेड हो, आप इस जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इस एग्जाम में भी पहले आपको अपना डेडिकेशन शो करना पड़ेगा इस देवी के सामने, ठीक है, जो CSIR CASE की जो देवी आपके सामने है, उन्हें पहले बताना पड़ेगा भाई हम कितने शिद्दत से आपको चाहते हैं, ठीक है, तब जाकर के वो प्रसन्न होगी, फिर दर्शन देगी, ठीक है, कि हाँ भाई तथास्तु, आप सक्सेसफुल हो जाओ इस पेपर में, ठीक है। सो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, शेयर होल्डर की का जो प्रॉफिट है, उनका जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो सके।
दूसरा जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल बना रहे, ठीक है। तीसरा जो कॉस्ट ऑफ फंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो रिड्यूस हो। अब ये कॉस्ट ऑफ फंड क्या होता है, हालांकि मैंने इसे आगे कवर किया हुआ है, मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में समझाता हूँ अभी यहाँ पे। देखो जब भी हम लोग बिजनेस में कुछ पैसा लगाने जाते हैं, ठीक है, या फिर मान लो आप कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ी देर के लिए जो है मान लेते हैं कि किसी ने किसी को शॉप स्टार्ट करनी है, कोई दुकान स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, उसे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसे एक इन्वेस्टर मिला, इसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी दुकान में जो है 2 लाख की पूंजी तुम्हें दे रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मेरे कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस होते हैं, सबसे पहले आपको सिक्योरिटी में कुछ देना पड़ेगा, पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा सेकंड कंडीशन, मुझे एज अ प्रॉफिट और एज अ इंटरेस्ट समथिंग चाहिए, ठीक है। तो ये जो उसने डिमांड करी इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो ये चीज जो है ये क्या कहलाया, कॉस्ट ऑफ फंड। उसी तरीके से जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो तो और भी चीजें होती हैं, सेटअप करने में खर्चा होता है, बहुत कुछ चीजें होती हैं, तो वो सब चीजें जो जो आपके बिजनेस में डायरेक्टली नहीं हो रही हैं, लेकिन जो फाइनेंस आप ले रहे हो, तो उस फाइनेंस को लेते समय जैसे आपने क्या करा कि जैसे सपोज शॉप खरीदने शॉप जैसे आप मान लेते हैं आप शॉप खरीदने के लिए जो है आप जैसे मान लेते हैं आप शॉप खरीदना चाह रहे हो, तो जब आप शॉप खरीदना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी पहले दलील बनवानी पड़ेगी, ठीक है, रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी उस शॉप को अपने नाम पर, आपको वकील से मिलना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो दुकान की जो कीमत है वो तो देनी ही है आपको वहां पर, लेकिन उसके अलावा भी उस दुकान को अपने नाम पे करवाने के लिए आपको वकील को पैसे देने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार के ऑफिस में पैसे देने पड़ेंगे, तो ये सब क्या कहलाएगा, ये सब कॉस्ट ऑफ फंड कहलाएगा, ठीक है। इन्वेस्ट आप कहाँ पे कर रहे हो, शॉप में कर रहे हो, लेकिन उस शॉप में इन्वेस्ट जैसे मान लेते हैं ये 10 लाख की दुकान, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, तो ये जो 10 लाख की दुकान है, तो ये जो 10 लाख है आप शॉप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये एक तो आपका बिजनेस में इन्वेस्ट हो गया, लेकिन इस शॉप में इन्वेस्ट करने के लिए जैसे आप ये दुकान खरीदने जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे अपने नाम पे करवाना पड़ेगा, तो आपको पहले कोर्ट पे जाना पड़ेगा या रजिस्ट्रार के ऑफिस पे जाना पड़ेगा, वहां पे रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको कुछ पैसे वहां पे देने पड़ेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट आप बेयर कर रहे हो वहां पे वो क्या कहलाया, कॉस्ट ऑफ फंड कहलाया, ठीक है। फंड जो आप इन्वेस्ट करोगे बिजनेस में उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। अब बहुत डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी क्लियर हो गया यहाँ पे। जो सेकेंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो क्या है कि कॉस्ट ऑफ फंड को क्या करना, रिड्यूस करना, कि कम से कम खर्च में मेरा इन्वेस्टमेंट आराम से हो जाए, ठीक है। रिस्क जो भी हो बिजनेस के अंदर वो मेरे कंट्रोल में हो, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव है, ये सब पॉइंट को याद करना है, आपको ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे उसमें से टिक लगाना होगा, ठीक है। तो जो रिस्क होंगे बिजनेस के अंदर उसे हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। इसके अलावा जो फंड्स जो रेज हुआ है वो इफेक्टिवली जो है डिप्लॉयड हो सके, मतलब वो इफेक्टिवली जो है फंड्स जो है यूटिलाइज हो सके, लग सके बिजनेस के अंदर। इसके अलावा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस को भी डिटरमाइन करता है। फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब हुआ वो बिजनेस जो है कितने समय तक चलेगा, ठीक है। ये हमें कौन से बताता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक गोल ये भी है कि हमारा बिजनेस इतना हेल्दी हो कि हम लोग लंबे समय तक सस्टेन कर सके, ये नहीं कि 2 साल 4 साल चला चला उसके बाद लुढ़क गए, ठीक है, वो चीज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज कौन बताता है, ये चीज फाइनेंशियल हेल्थ बताता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेजरमेंट टूल है जिसके द्वारा हम लोग ये पता कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सस्टेनेबिलिटी है वो कितने समय तक है, मतलब ये जो बिजनेस जो चलेगा वो कितने समय तक चलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाला है या शॉर्ट टर्म के लिए चलने वाला है, ठीक है। ये हमें कौन बताता है, फाइनेंशियल हेल्थ का क्राइटेरिया बताता है। कैसे चेक करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ को, तो अलग अलग तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के द्वारा, जैसे कि बैलेंस शीट के द्वारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा चेक किया जाता है। अब ये सब क्या होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फाइनेंशियल रिसीप्ट, ये सब होता क्या है। तो बेसिकली देखो अब ये सब जो है अकाउंट्स के टर्म है। अब मैं ये सब चीज में अगर घुसूंगा ना तो बहुत बड़ा बहुत लंबा खींचा जाएगा वीडियो, तो मैं आपको कुछ सजेस्ट करता हूँ मेरे ही चैनल पे, निशांति अकेडमी चैनल पे,
मैंने जब यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम करवाया था तो उस समय मैंने जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल कवर करा था टॉपिक। इसकी पूरी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 23 आई थिंक है 20 या 23 वीडियोस ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है। आपको सारी नहीं देखनी है, इसमें आपको पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 13 तक एक बार 2x की स्पीड से देख लेना। बहुत ही स्टोरी के जैसे मैंने स्टार्ट करा है, तो जिनका अकाउंट्स बैकग्राउंड कभी नहीं रहा है आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे अकाउंटिंग समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, एक बिजनेस के अंदर कौन कौन से टर्म्स होते हैं, वो बहुत ही आराम से कवर हो जाएगा। मैंने आपको आई आइकन पे यहाँ पे पिन करा हुआ भी पिन भी कर दिया है इस प्लेलिस्ट को, तो आप चेक कर सकते हो। और सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं कहीं भी ना फंसूं क्वेश्चंस में, तो एक बार देख लेना, एक दिन की बात होगी, ठीक है। लंबी लंबी वीडियो है, लेकिन अगर डेडिकेशन के साथ देखोगे ना, तो सिर्फ देख लेना, देख लोगे तो टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, वो समझ में आने लगेगा कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे होता है, ठीक है। बस एक बार सुन लो, सुन के वापस से इस पे आ जाना, तो आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, मतलब लगेगा नहीं कि अननोन एलियन टाइप का नहीं लगने वाला है फिर उसके बाद, ठीक है। तो फाइनेंशियल हेल्थ आपको यहाँ पे समझ में आ गया। बेसिकली फाइनेंशियल हेल्थ क्या है? फाइनेंशियल हेल्थ एक क्राइटेरिया होता है जिसके थ्रू हम लोग बिजनेस कितने समय तक चलेगा या टिकेगा वो हम लोग पता करते हैं। और इसके लिए टूल कौन सा यूज करते हैं? जो बिजनेस का के जितने सारे पेपर्स होते हैं, मेन मेन पेपर्स, जिसमें फाइनेंशियल जो है स्टेटमेंट है वो आता है, जो बैलेंस शीट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, इसके द्वारा जो है हम लोग बिजनेस का पोजीशन अभी क्या चल रहा है, कितना वो सस्टेन करेगा, ये सारी चीजें हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन पे, ठीक है। देखो, हमने अभी फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है वो देख लिया। बेसिकली जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो तीन टाइप का होता है। एक है मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है मेरा फाइनेंशियल डिसीजन, और तीसरा है मेरा डिविडेंड डिसीजन। पहला है वो क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, हम पढ़ रहे हैं क्या? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या? फाइनेंस को मैनेज करना। अब ये जो फाइनेंस है वो बहुत बिजनेस के बहुत सारे स्टेप्स में मैनेज होता है। सबसे पहला जो मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो है इन्वेस्टमेंट का पार्ट। आप इन्वेस्ट कब कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? तो बेसिकली इन्वेस्ट जो है बिजनेस के अंदर दो जगहों पे किया जाता है। पैसा दो जगहों पे बिजनेस के अंदर लगेगा, एक जब बिजनेस को खड़ा किया जाएगा, मतलब जब बिजनेस सेटअप होगा, और दूसरा जब बिजनेस रन होगा, मतलब बिजनेस जब वर्किंग कंडीशन में है। और पहला क्या था? बिजनेस को जब खड़ा किया जा रहा है, जब बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, तो इन दो जगहों पे क्या क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग का इन्वेस्टमेंट होता है ये सब। अब जो ये जो स्टार्टिंग का जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर हम लोग डिसीजंस ले रहे हैं तो ये कहलाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग वेयर टू एलोकेट द कंपनीज फंड टू जनरेट प्रॉफिटेबल रिटर्न्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ऐसे डिसीजंस होते हैं जहां हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम जो कंपनी का जो फंड है, जो फाइनेंस है, उसे हम लोग किस जगह पे, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट जो है जनरेट हो सके, रिटर्न में मिल सके प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो, ये जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ये बेसिकली दो तरह का होता है। हमने अभी देखा था कि इन्वेस्टमेंट की जब बात आएगी तो दो तरीके से या दो सिचुएशन में बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। पहला, जब बिजनेस को खड़ा किया जाता है, जब बिजनेस को सेटअप किया जाता है, तो उस समय कुछ इन्वेस्टमेंट करे जाते हैं। और दूसरा, जब बिजनेस ऑपरेट हो रहा होता है, जब बिजनेस रन कर रहा होता है, जब बिजनेस चल रहा होता है वर्किंग कंडीशन में, तो उस समय भी इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे एम्प्लॉय को सैलरी देना, बिजली बिल देना, ठीक है। तो ये सब जो जो डेली बेसिस पे जो डे टू डे वर्क है उस समय जो इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं, ठीक है, एक वो इन्वेस्टमेंट, और दूसरा जब बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। जैसे आप फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, आपको एक जगह खरीदना पड़ेगा जहां पे आप फैक्ट्री लगा सको, तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट होंगे स्टार्टिंग के, ठीक है। तो एक हो गया मेरा जो है आप कैपिटल के अकॉर्डिंग, जब बिजनेस खड़ा कर रहे हो उस समय जो है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इस हिसाब से, मतलब सिचुएशन के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो दो टाइप के होते हैं। एक है मेरा लॉन्ग टर्म डिसीजन, ठीक है, जिसे हम लोग कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए। आप मशीन लगा रहे हो अपने फैक्ट्री में तो ये सोच के नहीं लगाओगे कल मैं मशीन हटा दूंगा, ठीक है, या कल जो है मशीन खत्म हो जाएगी, बेच दूंगा मैं वापस। आप मशीन लगाओगे तो लंबे समय के लिए सोच के, यहाँ 4 साल 5 साल इस मशीन से हम लोग कमाएंगे इस फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जहां पे इन्वेस्टमेंट आएगा
मतलब उससे रिलेटेड जब भी हम लोग डिसीजंस लेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म डिसीजंस, या फिर इसे कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कहेंगे। कैपिटल बजटिंग क्यों? क्योंकि कैपिटल से जुड़ा हुआ है ये, पूंजी से जुड़ा हुआ है ये। दूसरा जो डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का टाइप, वो है मेरा शॉर्ट टर्म और वर्किंग कैपिटल डिसीजन। शॉर्ट टर्म मतलब छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करना किसी जगह पे, ठीक है, इसे हम लोग और कौन सा डिसीजन कहेंगे, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। मतलब डे टू डे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट में जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसे हम लोग वर्किंग कैपिटल डिसीजन कहेंगे या शॉर्ट टर्म डिसीजन कहेंगे। ठीक है, देखो ये क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं। जो भी चीजें हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर करने की, हर एक पॉइंट को समझाने की, क्योंकि टर्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको टर्म से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन बोरिंग क्लास होने वाली है मैं जानता हूँ। ठीक है, देखो बायो भी अगर पढ़ने जाओगे ना तो बायो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, पता नहीं आपको लगता होगा या नहीं लगता है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आता है बायो पढ़ाने में भी, अपने टाइम में पढ़ने में भी। क्यों? बहुत सारी चीजें पढ़नी होती थी, रिप्रोडक्शन पढ़ना होता था वहाँ पे, ऐसे ही इंटरेस्ट दिमाग में घुस जाता है। ठीक है, वैसे ही और भी बहुत सारी चीजें हैं बायो के अंदर, जब आपका इंटरेस्ट, जैसे इवोल्यूशन पढ़ोगे तो बड़ा मजा आएगा इवोल्यूशन पढ़ते समय। ठीक है, तो हेरिडिटी भी पढ़ोगे तो वहां भी थोड़ा सा मजा आता है, लेकिन जहां टर्म्स घुस जाते हैं ना कि एक से एक टिपिकल से टर्म है जो आपको लर्न करना है, तो वहां पे दिमाग काम ही नहीं करेगा, वहां लगेगा किताब बंद करें कहीं घूमने चल जाए। ठीक है, तो ये भी जो आप जो टॉपिक कवर कर रहे हो यहाँ पे, ये भी यहाँ पे टर्म्स हैं बहुत सारे। ठीक है, और जो नॉन अकाउंटिंग वाले बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं उनका तो बिल्कुल ऊपर से पार हो जाता। मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, और अगर आप बिल्कुल, आपने अभी तक बिजनेस से रिलेटेड कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं आता आपको अकाउंटिंग के बारे में, मैं सजेस्ट करूंगा कि एक दिन लगेगा। ठीक है, क्योंकि लंबी वीडियोज होंगी उसमें, वो जो 13 पार्ट जो मैंने आपको बताए जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के प्लेलिस्ट के, वो उसे आप देख लो, 2x के स्पीड में देखो, 3x के स्पीड में देखो, लेकिन एक बार देख लो, तो उससे आपका वहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि अकाउंटिंग होती क्या है। ठीक है, फिर आप इस पे आओगे ना तो थोड़ा मतलब लगेगा कि हाँ अब मजा आ रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है, सो अब हम लोग बात करने वाले हैं, हमने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म डिसीजंस और कैपिटल बजटिंग डिसीजन, और दूसरा होता है मेरा शॉर्ट टर्म डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब लॉन्ग टर्म डिसीजंस क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, मतलब ऐसे डिसीजंस जहां पे हम लोग फाइनेंस को इन्वेस्ट करते हैं लंबे समय के लिए, मतलब ऐसे डिसीजंस लेना जहां पे आप फाइनेंस को क्या कर रहे हो, लंबे समय के लिए बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। कब हम लोग लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे? जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा होगा, जब बिजनेस खड़ा हो रहा होगा। तो इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स और एसेट दैट अलाइन विद द कंपनीज स्ट्रेटजी, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इवेल्युएट करना है। ठीक है, एंड सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, हमें क्या करना है, क्या चीज सेलेक्ट करना है, लंबे समय का जो प्रोजेक्ट है उसे या एसेट्स को। ठीक है, अलाइन विद द कंपनीज स्ट्रैटेजी, जो कंपनी की स्ट्रैटेजी है, जो कंपनी की प्लानिंग है, उसके साथ ये क्या हो सके, अलाइन हो सके, फिट हो सके। मतलब आप कुछ ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो जो आपके गोल से बिल्कुल अलग है, जो आपने गोल बनाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन का, उससे चीजें अलग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके रिलेवेंट होनी चाहिए। क्लियर हुआ? दिस मे इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीनरी। ठीक है, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है, मशीनों में इन्वेस्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट हो सकता है, एक्विजिशन के अंदर इन्वेस्ट हो सकता है। बेसिकली देखो एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन को कहते हैं हम लोग बिजनेस के अंदर। ठीक है, बिजनेस के अंदर एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर कर लेना। ठीक है, क्या है मैं समझाता हूँ इसे, एक्विजिशन क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल, आपने कुछ दिन पहले देखा था बायजूस का नाम सुना हुआ है सबने, अभी न्यूज में है कि मार्केट उसका पूरा डाउन हो रखा है। तो बायजूस ने क्या करा था कुछ साल पहले, अब ये मार्केट में अपनी मोनोपोली चाह रहा था, तो ये उसी डोमेन में जो भी और भी कंपनीज थी जो इनसे छोटे लेवल पे काम कर रही थी उन्हें ये एक्वायर कर ले रहा था, खरीद ले रहा था। जैसे आपने सुना होगा बायजूस ने ग्रिडअप को खरीद लिया था, बायजूस ने एक रैंकर्स के नाम की वेबसाइट आती थी उसे भी बायजूस ने खरीद लिया था। ठीक है, बायजूस ने आकाश को खरीद लिया था। तो ये क्या है, इसे एक्विजिशन कहते हैं, मतलब एक बड़ी मछली क्या कर रही है, अपने ही डोमेन में जितने भी छोटे मछली हैं उसे खा जा रही है। मतलब जो बड़ा बिजनेस है वो अपने ही डोमेन पे छोटे बिजनेस को टिकने नहीं दे रहा है, उसे एक्वायर कर ले रहा है। भाई तुम्हें अगर यहाँ जिंदा रहना है ना तो मेरे लिए काम करो, नहीं तो फिनिश हो जाओ। ठीक है,
तो ये हो गया एक्विजिशन, ठीक है। मतलब बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं ना, बिजनेस का मतलब ये शाम दाम दंड भेद सब यूज करना, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अब देखो मार्केट बनाना है, अगर मार्केट में टिकना है तो दो तरीके से काम किया जा सकता है। पहला कि आप ऐसा कुछ दो जो सामने वाले की नीड है, ठीक है, ताकि जो है मतलब क्वालिटी के साथ दो, ताकि जो है सामने वाला जो है अपने आप बीट हो जाए, मतलब जो कंपटीटर है वो अपने आप बीट हो जाए क्योंकि आप क्वालिटी दे रहे हो, एक क्वालिटी सर्विस एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हो। दूसरा कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हर कोई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा है, तब आप वहां पे क्या कर सकते हो, ऑप्शन ही नहीं है, जैसे चल रहा है वैसे चलना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कस्टमर जो होंगे उनके पास हमेशा एक ऑप्शन होगा, भाई तुम्हें इतने में देना है तो तुम, नहीं देना तो मैं जा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। तो आपके पास वहां पे फिर ऑप्शन नहीं बचा फिर। तो यहाँ पे जो जो सेकेंड जो ऑप्शन आता है वो क्या आता है कि भाई आप मोनोपोली ले आओ मार्केट में, मोनोपोली मतलब आप ही रहो अपने डोमेन में और दूसरा कोई नहीं, तो बस कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं है। आप 10 रुपए का सामान 100 रुपए में भी दोगे ना तो भी वो खरीदेगा, क्यों, क्योंकि वहां पे मोनोपोली चल रही है। आपने देखा होगा कि जब आप बस से कहीं जा रहे होते हो तो बीच में कहीं पे बस रुकती है, वहां पे ऐसी जगह पे रुकती है जहां पे मुश्किल से एक से दो दुकान हो, ठीक है, और दोनों की प्राइस लगभग में बहुत ज्यादा होती है किसी भी सामान की प्रोडक्ट की। चाहे आप बिस्किट का एक पैकेट खरीदने जाओ, 10 रुपए वाला पैकेट वो 20 रुपए वाले में 20 रुपए में देता है, उनकी मोनोपोली चलती है। भाई वो बोल साफ साफ बोलता है भाई लेना है तो ले, नहीं लेना है तो जा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मोनोपोली। तो एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन मतलब एक्वायर कर लेना, बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बिजनेस एक्विजिशन, ठीक है। इसके अलावा जो है एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन क्या होता है, फैलना, ठीक है, फैलाना। कैसे फैलाओगे, आपकी अभी देखो एक सिटी में आपकी ब्रांच होगी बिजनेस की, आपको लगा कि यार बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, अब लग रहा है कि मुझे एक सिटी से छोड़ के दूसरे सिटी पे भी हाथ पैर मारने चाहिए, तो आप जो है देखोगे सिटीज को रिव्यू करोगे, आपको लगे कि यार इस सिटी में कंपटीशन कम है, यहाँ पे जो है मैं अपने ब्रांचेस खोल सकता हूँ, या इस सिटी में इस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है जो मेरा प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे अपना एक ब्रांच खोल सकता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करा, अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करा, तो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। तो इन सब जगहों पे क्या होता है, हमें लॉन्ग टर्म डिसीजंस की जरूरत होती है, क्यों, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी लॉन्ग टर्म होगा बिजनेस स्टार्ट करने में, क्लियर हो गया। दीज डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस, ठीक है, ये जो डिसीजंस है वो बहुत सारे क्रूशियल है बिजनेस में, सिंस दे अफेक्ट इट्स अर्निंग कैपेसिटी इन लॉन्ग रन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक एक लाइन में पढ़ के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये लाइन्स ही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। सो दीज डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस सिंस दे अफेक्ट इट्स अर्निंग कैपेसिटी इन अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। मतलब जो अर्निंग ऑब्वियस है ना कि आप ब्रांचेस बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियस है आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो ये डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, द साइज ऑफ एसेट प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपटिटिवनेस आर ऑल अफेक्टेड बाई कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, ठीक है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस के द्वारा क्या क्या अफेक्ट होता है, तो एसेट का साइज ऑब्वियस है, एक मशीन से के बदले आप 3 मशीन मंगा रहे हो, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो लेकिन एसेट भी तो बढ़ रहा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो आपने लिए हैं ये आपका एसेट इफेक्ट कर रहा है, एसेट को बढ़ा रहा है। दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी, ऑब्वियस है 3 मशीनें आएंगी तो ज्यादा प्रॉफिट करके देंगे, ठीक है। कंपटिटिवनेस जो है आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ाएगा, उस पर इफेक्ट करेगा, कैसे इफेक्ट करेगा, एक मशीन थी समथिंग प्रोडक्ट कर रहा था, अब 3 मशीनें हैं, ज्यादा प्रोडक्ट हो बनेगा, ज्यादा प्रोडक्ट होगा तो मार्केट में ज्यादा जो है आप छाओगे, ठीक है, वहां पे। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटिटिवनेस को भी ये क्या करता है, इफेक्ट करता है। जो तीसरा जो पॉइंट है वो है, दीज डिसीजंस नॉर्मली इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑब्वियस है लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो मोटा अमाउंट में पैसा लगाना पड़ेगा। एंड ये लाइन, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है, ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक ऐसा डिसीजन है जिसका नेचर इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल मतलब आपने एक बार जो मंगा लिया, एक बार जो डिसाइड कर लिया, बस वो कर लिया, आप उससे फिर जो है आप उसको चाहोगे कि उस डिसीजन को बाद में चेंज करना तो वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपको समझ के डिसीजंस लेने पड़ेंगे क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस जो है उसी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप पता चल रहा है स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में ही आपने एक गलत डिसीजंस ले लिया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बिजनेस सही से चलेगा, आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही जो है हम लोग क्लीन बोर्ड लोग हैं, तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है।
तो बिजनेस हो या आपका एग्जाम हो या आपकी लाइफ हो, डिसीजंस अगर लंबे समय के लिए लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, तो बहुत सोच समझ के लेना होता है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, जैसे शादी, ठीक है, शादी का जो डिसीजन होता है ना, बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। अपने अकॉर्डिंग लड़की होनी चाहिए या लड़का होना चाहिए। ठीक है, एक बहुत ही समझदार लड़की की शादी अगर किसी बेवड़े से हो जाए तो भी जिंदगी खराब है। ठीक है, एक बहुत समझदार लड़की की शादी कोई बेवकूफ लड़के से हो जाए, लड़की के साथ हो जाए, जो उसका जो फाइनेंस है उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, उसका घर अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है, तो भी बीड़ा गर्क हो गया वहां पर। ठीक है, तो जो लंबे समय वाला जो डिसीजंस होता है वो इरिवर्सिबल नेचर का होता है, और चूंकि इरिवर्सिबल नेचर का होता है तो इसीलिए इसे बहुत केयरफुल तरीके से लिया जाता है। ठीक है, ये लाइन थोड़ा फनी लैंग्वेज में मैंने बोला ताकि आपको ये याद रहे। क्लियर हो गया लॉन्ग टर्म डिसीजंस। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म डिसीजन पे, और शॉर्ट टर्म डिसीजन को हम लोग क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं। अब चूंकि देखो नाम है वर्किंग कैपिटल डिसीजन, मतलब ऐसा डिसीजन जो इस तरह के इन्वेस्टमेंट के समय लिया जा रहा है जो डे टू डे वर्क है, मतलब कोई भी कंपनी जब चल रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब रन कर रहा है, वर्क कर रहा है या प्रोसेस कर रहा है, ऑपरेशंस में है, तो उस समय जो डे टू डे नीड होती है उसे फुलफिल करने के लिए हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने होंगे उसे शॉर्ट टर्म डिसीजंस या वर्किंग कैपिटल डिसीजंस कहेंगे। तो शॉर्ट टर्म डिसीजंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजंस फोकस ऑन मैनेजिंग द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। दीज डिसीजंस इन्वॉल्व थ्री की एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो डिसीजंस होता है यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या, कैश, ठीक है, दूसरा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब माल। ठीक है, अब माल मतलब अब आपके पास जो है किसी भी तरह का माल हो सकता है। आप मतलब अगर आप जैसे मान लो मिठाई की दुकान होगी तो जो रॉ मटेरियल्स होगा, दूध, चीनी, ये सब आपका माल हो गया। ठीक है, इन्वेंट्री, तो आप इन्वेंट्री में किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे रिलेटेड कौन सा डिसीजंस ले रहे हो। ठीक है, अगर आपका जो है मेन प्रोडक्ट जो है सपोज मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन की दुकान है आपके आपकी, तो उस समय जो आपका जो इन्वेंट्री होगा वो होगा कि आप आपके पास कितना स्टॉक में कितना फोन पड़ा हुआ है। ठीक है, कौन कितनी सारी कंपनीज का फोन पड़ा हुआ है, तो ये हो गई आपकी इन्वेंट्री। ठीक है, एंड रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब जो आपने उधार दिया हुआ है किसी को, जो आपको बाद में पैसे वहां से मिलने हैं। ठीक है, तो रिसीव होने हैं। ठीक है, देखो ये सारे टर्म्स जो हैं ऐसे टर्म हैं जो आपको थोड़े से अगर आप जानोगे पहले से तो बड़ा मजा आएगा यहाँ पे इस चीज को समझने में, और अगर नहीं जान रहे हो तो वंस अगेन मैं कहूंगा कि जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई हैं, ईपीएफओ एग्जाम से रिलेटेड था ये टॉपिक, जिसे मैंने बहुत ही मतलब इजी लैंग्वेज में कवर करा हुआ है, स्टोरी के माध्यम से कवर करा हुआ है। फर्स्ट थ्री पार्ट, मतलब तीन चार पार्ट ऐसे कवर करा हुआ है कि आपको पूरा बिजनेस मॉडल समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। तो पार्ट 13 तक अगर आप 2x की स्पीड से भी देख लोगे ना, उसके बाद फिर यहाँ पे आओगे, अगर आप अकाउंट बैकग्राउंड से नहीं हो तो बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा सारी चीजें। ठीक है, बिजनेस करने को भी हो सकता है मन करे। ठीक है, ये भी सोच सकते हो कि CSIR का जो एग्जाम है उसे अगर वो नहीं निकलता है मेरा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है उस लेवल का, मैं पढ़ पाऊँ नहीं पढ़ पाऊँ, तो आप सोच सकते हो कि भाई बिजनेस में भी हाथ पर मार मार सकते हैं, क्योंकि सर ने इतना कुछ बता दिया है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म डिसीजन या वर्किंग कैपिटल डिसीजंस ऐसे डिसीजंस होते हैं जहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, या तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है उसके चारों तरफ, उस डिसीजन के चारों तरफ घूमता है। एक है कैश, ठीक है, आपके गुल्लक में कितना कैश है ये, क्योंकि कैश रहेगा तभी तो आप किस कुछ चीज में इन्वेस्ट करोगे ना। जैसे मान लो अचानक से कोई मशीन खराब हो गई, ठीक है, तो आपको मैकेनिक चाहिए, मैकेनिक आया तो आप क्या बोलोगे कि भाई आना फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में, तब जाके हम आपका हिसाब करेंगे, नहीं, आप पैसे निकालोगे उसे दे दोगे, खत्म करोगे झमेला। ठीक है, तो कैश कितना है, बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री आपके पास माल कितना है, ठीक है, उससे रिलेटेड डिसीजंस होंगे। रिसीवेबल आपको कहाँ कहाँ से पैसे लेने हैं, कौन कौन देगा कौन कौन नहीं देगा, ये सारी चीजें जो है शॉर्ट टर्म डिसीजंस का पार्ट है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस का पार्ट है। दीज अफेक्ट दी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी जो है लिक्विड फिजिक्स में होता है, ठीक है, या केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड का मतलब वो नहीं है, लिक्विड का मतलब ऐसी संपत्तियां या ऐसे एसेट्स जिसे आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो पंखा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि, या पंखा छोड़ो, हटाओ, पंखा हटाते हैं, जैसे मान लेते हैं बिजनेस के टर्म में बात करते हैं, तो जैसे मान लेते हैं एक
जो है शॉप है, इसके 3-4 ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो उस कंपनी को लग रहा है कि भाई ये वाला जो ब्रांच है मेरा, ये यहाँ पे सही चल नहीं रहा है ये ब्रांच, तो इसे बंद करना ही सही है। तो आपने क्या करा, उस ब्रांच को क्या करा, क्लोज कर दिया या बेच दिया, उस जमीन को या उस प्रॉपर्टी को बेच दिया, और उससे जो पैसे आया उसे जहां पे आपको प्रॉफिट मिल रहा था आपने वहां पे और इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जब भी आपके पास आपके बिजनेस का ऐसा एसेट जिसे आप जब चाहो तब जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, उसे हम लोग लिक्विडिटी कहते हैं। तो दीज अफेक्ट, मतलब ये जो शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं, ये अफेक्ट करता है किसे, लिक्विडिटी को, एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी क्या करता है, ये अफेक्ट करता है शॉर्ट टर्म वाले डिसीजंस। इफिशियंट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब अगर आपको एक अच्छा कैपिटल मैनेजमेंट करना है, ठीक है, मतलब आप चाहते हो कि आपका कैपिटल, आपकी जो पूंजी है वो अच्छे से मैनेज हो, तो आपको कुछ जगहों पे ध्यान देना पड़ेगा। ये कौन कौन से जगह है कि आपका जो कैश है वो इफेक्टिवली मैनेज हो रहा है या नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आप डे टू डे उन जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हो जो अननेसेसरी है, अननेसेसरी जैसे स्टाफ आपके ऑफिस में काम कर रहा है, आपने आपके दिमाग में है कि चलो उसे 2 टाइम चाय देनी है सारे स्टाफ्स को, ठीक है, एक मॉर्निंग के समय में एक इवनिंग के समय में, लेकिन आप अननेसेसरी जो है दिन भर में 4 बार चाय पिला रहे हो अपने स्टाफ्स को, समोसे भी खिला रहे हो, तो वहां पे वो काम करने के लिए थोड़ी ना आएंगे, वो तो एंजॉय करने के लिए आएंगे, ठीक है, लाइफ एंजॉय करने के लिए उन्हें बुलाया जा रहा है। तो आपका जो कैश है वो इफेक्टिवली मैनेज हो रहा है या नहीं, इन्वेंट्री जो है मैनेज सही से हो रहे हैं या नहीं, जो माल है वो आपका बेकार तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, इन सब चीजों को समझना। और रिसीवेबल मतलब आपने फालतू का इतना माल जैसे मंगा लिया, ठीक है, डेली बेसिस पे जो है आप मंगाते जा रहे हो लेकिन वो सेल नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वहां पे सही तरह से इन्वेंट्री मैनेज नहीं हो रहा है, ठीक है। और तीसरा जो है रिसीवेबल मैनेजमेंट, ठीक है, जो रिसीवेबल है, जो अमाउंट आपके आने हैं, ठीक है, आपने किसी को कर्ज दिया है, सही बंदे को कर्ज दिया है, ठीक है, उस चीज को देखना, ठीक है, वो पैसा देगा या नहीं, नहीं देगा तो उससे कैसे लेना है, ठीक है, ये सारे डिसीजंस जो है शॉर्ट टर्म डिसीजंस के पार्ट है। क्लियर हो गया। द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉलो द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब यहां तक तो आपका ये शॉर्ट टर्म डिसीजंस हो गया, अब वापस से हम लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है इनका एक ही मोटिव होता है क्या, कि जो वेल्थ है, वेल्थ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट है, क्या हो, मैक्सिमाइज हो, मतलब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये माइंडसेट के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट फोकस ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ बिजनेस और एन इंडिविजुअल्स वेल्थ ओवर टाइम। द प्राइमरी गोल ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज टू अचीव द हाइएस्ट पॉसिबल रिटर्न, ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, रिटर्न मिले ऑन इन्वेस्टमेंट वाइल कंसिडरिंग द एसोसिएटेड रिस्क, ठीक है। साथ में ये भी सोचना है कि भाई रिस्क कितना है, ठीक है, ये रिस्क हो सकता है दिमाग में पिंच करे कि भाई क्या है ये, तो अभी हम लोग आगे सब देखने वाले हैं, ठीक है। ये इसका हिंदी में लिखा हुआ है, एक बार रीड कर लेना, हिंदी वाले स्टूडेंट्स रीड कर लेंगे इसे। सेकेंड नंबर पे आते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर का है मेरा फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, ऐसे डिसीजन जो फाइनेंसिंग के समय लगते हैं। वही फाइनेंसिंग क्या होता है भैया, ठीक है, देखो समझो इसको अच्छे से। हमने अभी देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस में हम क्या करते हैं, अगर बिजनेस को खड़ा करना है, ठीक है, या बिजनेस को ऑपरेट्स करना है तो हमें कुछ फंड्स की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। सिंपल, आपको एक बिजनेस चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो फंड अरेंज करना पड़ेगा ना, कि आपने देखा कि सारा प्लानिंग कर लिया है कि मुझे इस तरह का बिजनेस करना है, इतनी सारी चीजें इसके अंदर करनी है, इतने समय तक मुझे सर्वाइव करने के लिए चाहिए, हो सकता है कि स्टार्टिंग में मुझे उतना प्रॉफिट ना मिले, मुझे अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी होगी, और भी चीजें होंगी, और भी खर्चे होंगे, भाड़ा होगा, किराया होगा, या फिर कुछ और चीजें होंगी जो मुझे करनी होंगी, ठीक है, तो उन सब के लिए मुझे फंड्स की आवश्यकता है। आपने कैलकुलेट करके देखा कि मुझे इतना फंड चाहिए, ठीक है, इस बिजनेस को सही तरह से चलाने के लिए मुझे इतने रुपए की आवश्यकता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप उस रुपए को कहाँ से अरेंज करोगे, तो या तो आपके पास होंगे, अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप अपने पापा से पूछोगे, उनके पास भी नहीं हुए तो अपने पड़ोसी से, अपने फ्रेंड से पूछोगे, उनके पास नहीं हुए तो आप
बैंक से पूछोगे, लोन लोगे, ठीक है, या तो बैंक के पास जाओगे या फिर कोई और लेंडर होगा जो बोरो, जहां से आप बोरो कर सकते हो मनी को, आप वहां से लोगे, ठीक है। तो बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजंस में हम लोग क्या करते हैं, जो फंड है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो फंड का क्या सोर्स है, ठीक है, और उस सोर्स से हमें कैसे फंड मिलेगा, ठीक है, फाइनेंसिंग किस तरीके से वहां से होगी, ये सारे डिसीजंस लेना फाइनेंसिंग डिसीजंस कहलाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजन रिवॉल्व्स अराउंड डिटरमाइनिंग हाउ टू ऑब्टेंड, मतलब कैसे ऑब्टेंड करें, हाउ टू ऑब्टेंड द नेसेसरी फंड्स टू फाइनेंस द सेलेक्टेड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। जो हमने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करा है अभी, मतलब बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा वो हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट करा है, तो इसके अंदर जो नेसेसरी फंड्स लगने वाले हैं वो नेसेसरी फंड्स के क्या सोर्सेस हैं, कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे, ये डिसीजन लेना फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस अवेलेबल सोर्सेस, मतलब इसमें जो मेन जो काम है वो क्या है कि अलग अलग तरह के सोर्सेस जहां से हमें फाइनेंसिंग, जहां से फाइनेंस हो सके, जहां से हमें पैसा मिल सके, उसे रिकॉग्नाइज करना, समझना, उसके रिस्क को समझना और समझ करके सही तरीके से बोरो करना पैसे, ठीक है, मतलब सही तरीके से वहां से लेना। अब ये जो सोर्स होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, मतलब जहां से आप फंड ले रहे होते हो, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए, वो दो तरीके का मेन सोर्स होता है। एक कहलाता है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स मतलब ऑनर का खुद का पैसा या जो शेयर होल्डर है कंपनी के उनका पैसा लगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा आपने कहीं से बोरो करा है फंड को, मतलब वो उनका उनका कंपनी में जिम्मेदारी नहीं है, उनका उस जो पैसे आपको दिए हैं आपको उनके प्रति जो हो, उनके प्रति जो हो आप लायबल हो, ठीक है, मतलब दो चीजें मैंने बोली हैं, अच्छे से आगे और क्लियर होगा। मतलब आपने देखा कि आपके बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए आपको इतने फंड की आवश्यकता है, ये फंड या तो आपके पास होंगे, ठीक है, या तो आपके पास होंगे या फिर कुछ लोगों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट करा तो उन सभी के पास थोड़ा थोड़ा फंड होगा, तब ने मिलके क्या करा जो है पैसे लगाए, इन्वेस्ट करें बिजनेस में ताकि हमें कुछ प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। तो ये कहलाया मेरा शेयर होल्डर फंड्स, मतलब एक सोर्स ऑफ फाइनेंस का ये हो गया। दूसरा, अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, कहीं से उधार लोगे, चाहे बैंक से लोगे या किसी पर्सन से लोगे, ठीक है, किसी इन्वेस्टर से लोगे, तो ये क्या हो गया, आपने बोरो करा फंड्स को, तो ये सेकेंड सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो गया, ठीक है। तो फाइनेंसिंग डिसीजंस के अंदर दो इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, एक शेयर होल्डर फंड्स और दूसरा होता है बोरोड फंड्स। जो शेयर होल्डर फंड्स हैं, ठीक है, इस शेयर होल्डर फंड्स को हम लोग इक्विटी कैपिटल, शेयर होल्डर इक्विटी या ऑनर्स इक्विटी कहते हैं, ठीक है, मतलब जो मालिक का जो पैसा है वो उसे वो कहा जाता है साफ साफ सीधे सीधे लैंग्वेज में। तो शेयर होल्डर फंड्स रिफर्स टू द इक्विटी कैपिटल, इक्विटी जो है, इक्विटी का मतलब पूंजी एक तरह से समझ लो, ठीक है, पैसा, पूंजी या मालिक का पैसा, इक्विटी कैपिटल एंड दैट एंड द रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब अगर मान लो आपका बिजनेस बहुत पुराना है, ठीक है, जैसे रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी बहुत पुरानी है, तो पिछले साल या पीछे के सालों में, पिछले वर्षों में उन्होंने जितना प्रॉफिट जनरेट करा उस प्रॉफिट से वो क्या कर सकती है, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकती है अपने बिजनेस के अंदर। तो फ्यूचर में अगर वो उनके उनका इन्वेस्टमेंट प्लान है कुछ, तो वहां पे पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, पास्ट के जितनी अर्निंग्स हुई है वहां से, तो ये रिटेन्ड अर्निंग वही हो गया, या फिर इक्विटी कैपिटल से, आपके घर में पैसा पड़ा हुआ है आपने उसे लगा दिया अपने बिजनेस में, ठीक है, तो ये हो गया मेरा इक्विटी कैपिटल, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स क्लियर हुआ आपको, समझ में आया क्या कहते हैं उसे, बता दिया। शेयर होल्डर फंड्स इन्वॉल्व नो कमिटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। अब देखो इसे समझो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ मैं इसे। सपोज करो आपको एक शॉप खोलनी है, ठीक है, आपने देखा कि मेरे घर में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं या फिर मेरे पास 10 लाख है, आपने क्या करा है, इस बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा दिए। क्या सोच करके लगाया होगा कि मुझे 10 लाख रुपए लगा करके ये जो शॉप है या जो ये जो बिजनेस है इसे अच्छे से चलाना है, ये नहीं सोचा होगा कि एक बार बिजनेस चलने लगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, या 2 साल में एक, मतलब एक बार बिजनेस चलने लगा या मैंने जो 10 लाख रुपए लगाए हैं ये मैं 1 साल के बाद या 2 महीने के बाद या 10 महीने के बाद मैं वापस निकाल करके वहीं रख दूंगा जहां से मैंने निकाले थे। ऐसा कुछ करते हो क्या आप? नहीं, बोलोगे सर ऐसे क्या करना है, ये तो मेरा ही पैसा है जो मैं मुझे बिजनेस में लगाना, ठीक है,
तो जो मालिक का जो पैसा होता है वो इस इंटेंशन के साथ लगता है कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है, ये सोच के नहीं लगता है कि जितना मैं लगा रहा हूं वो मुझे निकालना है। समझो इस चीज को। दो तरीके के फाइनेंसिंग सोर्सेस होते हैं, एक होता है मेरा शेयर होल्डर फंड्स या इक्विटी फंड जो मालिक का पैसा होता है, और दूसरा हो गया बोरोड फंड्स, मतलब जो उधार में आपने लिया है। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने अपने फ्रेंड से उधार में लेकर के आए हो 1 लाख रुपए, ठीक है, और उसने बोला कि भाई मैं दे तो रहा हूं तुझे 1 लाख रुपए लेकिन मुझे 1 महीने के बाद चाहिए, ठीक है, तो उस बंदे को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका बिजनेस चल रहा है नहीं चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि 10 लाख का प्रॉफिट आपने जनरेट करा 1 महीने में, कुछ लेना देना नहीं। उसने 1 लाख रुपए दिए हैं, उसे 1 लाख रुपए चाहिए। अगर उसने कुछ कंडीशन दे दिया कि मुझे 10% इंटरेस्ट के साथ या 2% इंटरेस्ट के साथ पैसे चाहिए, मतलब आपको वो जो 1 लाख रुपए जो आपने लिए हैं वो भी देने हैं और प्लस जो इंटरेस्ट है वो भी देना है, इसके अलावा उससे कोई रिलेशन नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो बोरोड फंड में क्या होता है कि बोरोड फंड में जो पैसे आपको मिले हैं एज अ लोन, ठीक है, बोरो करें आपने, वो आपको रिटर्न करना होता है, इंटरेस्ट पे रिटर्न करना होता है, तो इंटरेस्ट भी आपको पे करना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो आपने लिया है आपकी लायबिलिटी है कि आप उसे वापस से दे दो। ठीक है, सेकंड है शेयर होल्डर फंड या इक्विटी फंड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मालिक का खुद का पैसा है, तो वो कभी भी बिजनेस में ये सोच के नहीं लगाएगा कि भाई मैंने 10 लाख रुपए लगाए हैं मुझे 1 महीने के बाद कुछ भी हो, बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए वापस, ये नहीं हो सकता। ठीक है, वो प्रॉफिट पे अपना इंटेंशन डालता है। तो यानी कि जो शेयर होल्डर फंड्स है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका पैसा उसे मिलेगा जिसने लगाया, अगर मालिक है उसका पैसा उसे मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड्स क्या है, उससे रिलेटेड जो तीसरा जो पॉइंट है, शेयर होल्डर फंड्स इन्वॉल्व्स नो कमिटमेंट रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ रिटर्न्स, मतलब जो पेमेंट लग गया है उसका रिटर्न मिलेगा इसका कोई कमिटमेंट नहीं है, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, जो पूंजी लगी है उससे आपको वापस मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं होती। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना। दूसरा है मेरा बोरोड फंड। जो बोरोड फंड होता है वो उसे हम लोग जो है, बोरोड फंड रिफर्स टू द फाइनेंस रेज थ्रू डिबेंचर और अदर फॉर्म्स ऑफ डेट। डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, कुछ दस्तावेज होते हैं, कुछ जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उन्हें जब लोन चाहिए होता है तो वो क्या करती हैं, एक एग्रीमेंट वाला पेपर निकालती है जहां पे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं। तो जैसे ही बैंक को या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता चला कि इस कंपनी ने अपने डिबेंचर्स निकाले, तो वो कंपनी क्या करती, सॉरी वो जो बैंक है या वो जो इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, डिबेंचर को बाई करते। ठीक है, डिबेंचर को बाई करना मतलब कि हम आपके कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं तो किस फॉर्म में लगा रहे हैं, कि हम आपको कर्जा दे रहे हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो दस्तावेज है इसे डिबेंचर कहते हैं। अगर आपको बहुत और अच्छे तरीके से जानने के डिबेंचर क्या है या फिर अदर फॉर्म ऑफ डेट्स क्या क्या होते हैं, तो मैं वही लाइन जो पहले बोला था मैंने उसे मैं दोबारा रिपीट करूंगा यहाँ पे, कि जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाली वीडियो है वो एक बार देख लेना, वहां पे देखोगे तो ये सारे टर्म्स मैंने बताए हुए आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो पहला वाला लाइन तो आपका आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड जो लाइन है वो है इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स हैज टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट अ फेम हैज अर्नड अ प्रॉफिट, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो फेम है उसे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, जिसने पैसा लगाया है तो उसे इंटरेस्ट चाहिए, सिंपल। ठीक है, तीसरा जो है द बोरोड फंड्स हैव टू बी रिपेड एट द फिक्स टाइम, जो कर्ज आपने लिया है ठीक है वो आपको कुछ समय के बाद देने ही है, आपके साथ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। इसे और फनी एग्जांपल के साथ बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, ऐसे समझ में आ गया होगा वैसे। ठीक है, मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, जब मैं दिल्ली में था तो उस समय उन्होंने क्या करा था, आई थिंक 50 के का एक फोन लिया था, 50K का एक फोन लिया था ईएमआई पे। क्या हो गया, यहाँ पे लोन आ गया, ठीक है, तो उसने मुश्किल से 10 या 20 दिन चलाए होंगे, और बात करते हुए वो रोड पे जा रही थी, आपने देखा होगा क्या चोरियां बहुत होती है कि बाइक से दो लड़के आते हैं झपट्टा मारते हैं और फिर छीन के चले जाते हैं, तो उसके साथ भी सेम केस हुआ। ठीक है, इंश्योरेंस हुआ नहीं था,
खून का उसने करवाया नहीं, उसे लगा कि कौन करता है इस तरह से, कभी उसके साथ हुआ नहीं इस तरह का। तो क्या हुआ कि खून नहीं है उसके पास और उसने जो है पूरी की पूरी ईएमआई उसे भरनी पड़ी, ठीक है, 50K की। तो मतलब इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि जो है आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, कि आप दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। आपने अगर कर्जा लिया है तो वो चुकाना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द बोरोड फंड्स हैव टू बी रीपेड एट अ फिक्स टाइम, ठीक है, एक फिक्स टाइम पे आपको उसे पे करना ही है। बोरोड फंड्स और डेट इज द चिपेस्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेस, ये लाइन भैया गौर के पी जाना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। बोरोड फंड्स और डेट जो है वो सबसे सस्ता फाइनेंशियल सोर्स है। क्यों है? क्योंकि उसका रीजन ये है कि जब मान लो कि साल के अंत में आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जब प्रॉफिट हुआ मान लेते हैं 50 लाख का आपकी बिजनेस को कंपनी को प्रॉफिट हुआ, 50 लाख का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अब ये जो 50 लाख का प्रॉफिट हुआ, अब इसमें से क्या होगा कि आपको पता है कि लास्ट में टैक्स भरना पड़ेगा साल के अंत में। तो टैक्स के समय जब आप टैक्स पे करने जाओगे तो इस 50 लाख में क्या होगा कि आपको जितना कर्ज देना है, ठीक है, जो कर्ज देना है, ये जो इंटरेस्ट है उसका, वो सारा इंटरेस्ट क्या होगा, या वो सारा जो कर्ज है, मतलब जितने सारे आपने लोन लिए हुए हैं, वो सारा अमाउंट क्या होगा, माइनस होगा, और उसके बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा उस पर टैक्स लगता है। तो एक तरह से यहाँ पे जो है थोड़ा सा क्या किया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, इंटरेस्ट को टैक्स जब भी कैलकुलेट किया जाता है उस समय। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बोरोड फंड का चीप होने का, वो ये होता है कि ये एक ऐसा फाइनेंशियल सोर्स है कि जब आप टैक्स पे करने जाओगे तो आपने कितना पैसा कर्जा लिया है उसे माइनस करके आप पे करोगे। मतलब समझो इसे, प्रॉफिट तो आपका वही है, ठीक है, प्रॉफिट मान लेते हैं 50 लाख का है तो वही है 50 लाख का, तो एक्चुअल में 50 लाख पे टैक्स बनना चाहिए, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि भाई आपने जो कर्ज लिया हुआ है, ठीक है, आप उसे हटा दो, आप उसे माइनस कर दो। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 20 लाख का कंपनी ने कर्ज लिया हुआ था, तो वो 20 लाख माइनस कर देगी, तो जो 30 लाख बचेगा उसे 30 लाख का क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? इस मतलब पॉइंट की वजह से जो बोरोड फंड होता है वो सबसे चीपेस्ट फंड होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन जब हम लोग कर रहे हैं तो इसमें एक टर्म यूज होता है फ्लोटेशन कॉस्ट का। बेसिकली फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है, हमने कॉस्ट ऑफ फंड देखा था स्टार्टिंग में। कॉस्ट ऑफ फंड क्या था कि जब भी हमें पैसा चाहिए, ठीक है, बिजनेस में, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पैसा हमें चाहिए बिजनेस में लगाने के लिए, तो इसका फाइनेंस ढूंढते हैं कि कौन कौन हमें पैसा दे सकता है मार्केट से, ठीक है, या तो हमारे पास ही होगा या फिर हम मार्केट से क्या करेंगे, उधार लेंगे। तो जब हम मार्केट से उधार ले रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि उसे प्रोसेस करने में कुछ चार्ज बैठता है, कुछ खर्चा हमें करना पड़ता है। तो ये जो अमाउंट हमें खर्च करना पड़ता है प्रोसेसिंग के समय, या जब मनी इशू हो रही होती है, जब फंड इशू हो रहा होता है लेंडर के द्वारा, तो उस समय जो खर्च होता है अमाउंट, उसे हम लोग कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्या है, एक्सपेंसेस, जो खर्च है इनकर्ड बाय अ कंपनी, एक कंपनी के द्वारा किया जाता है व्हेन इट रेजेस एक्सटर्नल कैपिटल, जब वो रेज करती है बाहरी एक्सटर्नल बाहरी कैपिटल को, बाहरी पूंजी को, ठीक है, थ्रू इंश्योरेंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस ऑफ न्यू सिक्योरिटीज के फॉर्म में, जैसे कि स्टॉक या बॉन्ड उसने खरीदा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी उधार ले रही है, सीधे सीधे शब्दों में समझो कि कंपनी उधार ले रही है। तो जब उधार ले रही है या उधार लेना चाहती है तो उस समय क्या होता है, उस समय वो जो है कुछ पैसे खर्च भी करती है। फॉर एग्जांपल, ऐसे मैं जो सबसे इजी एग्जांपल है जिससे आपको एकदम तुरंत फिट हो जाएगा दिमाग में, वो क्या है, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपको लोन चाहिए 50 लाख रुपए का, ठीक है, 50 लाख का लोन चाहिए। अब क्योंकि ये बड़ा अमाउंट है, 50 लाख रुपए बड़ा अमाउंट है, या फिर मान लेते हैं आपको लोन चाहिए 2 लाख, 2 करोड़ की, ठीक है, 2 करोड़ रुपए की आपको लोन चाहिए। अब चूंकि 2 करोड़ रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है, कैसे देगा? तो आपने क्या करा, आपने बैंक के किसी स्टाफ को पकड़ा, ठीक है,
और उससे बोला कि भाई मुझे 2 करोड़ रुपए लोन चाहिए अपने बिजनेस में लगाने के लिए। ठीक है, इसने बोला, इस स्टाफ ने बोला कि भाई ठीक है मैं आपका काम करवा दूंगा, लेकिन इस 2 करोड़ में मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, रिश्वत घूस चाहिए। मतलब आपको मैं 2 करोड़ का लोन पास करवा दूंगा, बस करना क्या होगा कि आपका जो जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो शीट है उसे थोड़ा सा घुमा करके बताना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, जो टाइम पीरियड है आपके बिजनेस का उसे थोड़ा सा इंक्रीज करके दिखाना पड़ेगा, वो सारा झमेला मेरा है, मैं ये सारी चीजें कर दूंगा, बस आपको क्या करना है जब आपके 2 करोड़ रुपए इशू हो जाएंगे तो उसमें से 10 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे। तो ये जो 10 लाख रुपए है उसे चाहिए, बिजनेस को क्या चाहिए, लोन चाहिए 2 करोड़ का, लेकिन वो क्या करेगी इस 2 करोड़ के लोन में जब वो ले रही होती है तो उसे 10 लाख रुपए अपने एक्सपेंस करने होते हैं। तो ये जो 10 लाख रुपए हो गया, ये क्या हो गया, फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब जब भी आप कर्ज ले रहे हो तो उस सिचुएशन में जो कर्ज लेते समय जो आप खर्चा करते हो, जैसे आपने बैंक से कुछ पैसे लिए, ठीक है, तो उस समय प्रोसेसिंग कुछ चार्ज देना पड़ता है आपको। फॉर एग्जाम्पल जब ईएमआई, जैसे आप बना रहे हो किसी, जैसे आपको फोन चाहिए या बाइक चाहिए, तो ईएमआई जब कन्वर्ट हो रहा होता है आपका अमाउंट फाइनेंस का, तो उस समय एक प्रोसेसिंग फीस लगती है, 200 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की, डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। तो ये जो, और बैंक पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग बैंक का प्रोसेसिंग चार्जेस अलग 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 होता है। सो अलग अलग बैंक का प्रोसेसिंग चार्ज क्या होता है, अलग अलग होता है, तो किसी का 200, किसी का 500, किसी का 2000, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग चार्ज आपने पे करा, ये क्या है, ये एक फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, सो फ्लोटेशन कॉस्ट आर एसेंशियली द फीस एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट दैट अ कंपनी हैज टू पे टू इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, अंडरराइटर्स, लीगल एडवाइजर और अदर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द सिक्योरिटीज टू द मार्केट। सिक्योरिटीज टू द मार्केट मतलब जो कंपनी जो क्या कर रही है, लोन ले रही है यहाँ पे। ठीक है, तो उसे जो ब्रिंग करने के लिए जो प्रोसेसिंग जो चार्जेस देने पड़ते हैं अलग अलग जगहों पे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लोटेशन कॉस्ट कहेंगे। तीसरा जो टाइप है डिसीजन का, वो है मेरा डिविडेंड डिसीजंस। देखो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट या पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी बिजनेस का साल के लास्ट में प्रॉफिट हुआ, तो इस प्रॉफिट का क्या करेगी कंपनी, कुछ पार्ट, कुछ पोर्शन क्या करेगी, शेयर होल्डर्स को देगी और कुछ पोर्शन बचा के रखेगी। क्यों बचा के रखेगी, हो सकता है इन केस फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो जाए जब इंस्टेंट फंड की आवश्यकता हो, तो उस सिचुएशन में फंड क्या करेंगे, हम दोबारा तो मांगने नहीं ना जाएंगे किसी से, सडनली नहीं मांगा जाता, वो जब बिजनेस स्टार्ट होता है उस समय मांगा जाता है, या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या हर 2 साल 4 साल के बाद जो है फंड रेज किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जब आपको जरूरत पड़े मुंह उठा के चले जाओ कि भैया मुझे पैसे की जरूरत है ऐसा दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो जब भी प्रॉफिट होता है किसी भी बिजनेस में, हम क्या करते हैं, उस बिजनेस का कुछ पार्ट जो है कुछ पार्ट जो है वो क्या करते हैं, जितने शेयर होल्डर्स हैं उनमें डिवाइड कर देते हैं, और कुछ पार्ट जो है बिजनेस के लिए बचा के रखते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं सडनली जो है किसी कंपनी की कोई फैक्ट्री है वो जल जाती है, तो वो फिर से रेज नहीं करने जाएगी कि हमें फंड की आवश्यकता है, वो उनके पास जो भी डिविडेंड का जो पार्ट बचा होगा वो वहीं से जो है क्या करेगी, एक नई फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट का पैसा जो है, फंड जो फंड होगा वो निकाल लेगी। क्लियर हो गया। सो बेसिकली डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, प्रॉफिट का कितना परसेंट शेयर होल्डर्स में डिवाइड होगा और कितना परसेंट बिजनेस ओन करेगी, रिटेन करके रखेगी, ये जो डिसीजन है इसे डिविडेंड डिसीजन कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग। हमने अभी तक डिसीजन देख लिया, फाइनेंशियल डिसीजन देख लिया, फाइनेंशियल डिसीजंस के टाइप देख लिए। अब क्या हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है नेक्स्ट, वो होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। जब तक हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग सही से नहीं करेंगे, हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या आता है कि जो फंड हमारे पास है, ठीक है, उस फंड को हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना करना है, ये। ठीक है, थोड़ा सा इसे एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल है, जैसे मान लेते हैं आपको एक शॉप लगानी है, किस चीज की शॉप,
तो ग्रोसरी की शॉप लगानी है, ठीक है, आपके पास कितने रुपए हैं, तो 10 लाख आपके पास टोटल है। आपने आपके पास मान लेते हैं 5 लाख रुपए थे और 5 लाख रुपए आपने इधर उधर से कर्ज लिया, ठीक है, टोटल कितने हो गए, 10 लाख रुपए हो गए। आपने क्या करा, ये 10 लाख के 10 लाख आपने पूरे के पूरे बिजनेस के स्टार्टिंग में मतलब इस शॉप में लगा दिए। 4 से 5 लाख रुपए का शॉप लिया, शॉप खरीदा, ठीक है, फिर 4 से 5 लाख रुपए की आपने क्या करा, इसमें इन्वेस्टमेंट करा, माल वगैरह सब खरीदा, ठीक है। अब जब बिजनेस जब स्टार्ट हुआ आपका, तो 10 से 15 दिन के बाद आपको ये रियलाइज हुआ कि जिस एरिया में आपने शॉप करा है उस एरिया में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो ऑब्वियस है कि अगर आप प्रोडक्ट वहां पे अवेलेबल करवाओगे तो आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन आप वो प्रोडक्ट खरीदेगो कैसे, आपने 10 लाख का 10 लाख जो आपके पास था फंड वो पूरा तो आपने लगा दिया, तो आपके पास तो फंड बचा ही नहीं, ठीक है, और साल का एंड अभी हुआ नहीं है कि आपके आप प्रॉफिट काउंट करोगे कि प्रॉफिट में से मुझे निकालना है फंड, तो यहाँ तो केस गड़बड़ हो गया। तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमें यही बताता है कि आपके पास जो फंड है, ठीक है, उस फंड के सोर्सेस क्या क्या है, या फिर और कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं जहां से फंड रेज हो सकता है। सेकेंड, जो जितना आपके पास फंड आया, इस फंड को कौन कौन से सेक्टर्स में हमें क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना बचा के रखना है फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें कहाँ से निकल के आती हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग से। तो बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग, एस्टिमेट करना, एस्टिमेटिंग द फंड और कैपिटल एंड स्पेसिफाइंग द सोर्सेस ऑफ फंड्स, ठीक है, स्पेसिफाई करना सोर्सेस ऑफ फंड कौन कौन से। इट इज द टास्क ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस द मोस्ट इफिशियंट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव द फाइनेंशियल गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक ऐसा डिसीजन है, फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिसके थ्रू जो है ये जज करा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल्स को सही तरीके से अचीव कर ले, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स वेरियस एस्पेक्ट सच एज डिटरमाइनिंग द सोर्स ऑफ फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर क्या क्या आएगा, सोर्स ऑफ फंड को डिटरमाइन करना, रिकोगनाइज करना, एलोकेट करना रिसोर्सेस को, मतलब जो फंड हमारे पास आया है उसे हमें क्या करना है, बांटना है कि किस जगह पे हमें कितना फंड लगाना है या कौन से काम के लिए कितना फंड रखना है अपने पास। मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेना, ठीक है, और मैनेजिंग रिस्क, और बिजनेस में कौन कौन से रिस्क हैं जो आपको कंट्रोल करने हैं, ये सारी चीजें जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट, मेरा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये पॉइंट क्या है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो सबसे मेन मोटिव है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है कि वो हमेशा इंश्योर करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करता है, हमेशा इंश्योर करेगा कि जब कभी भी बिजनेस को फंड की आवश्यकता होगी आपके पास फंड अवेलेबल होगा। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये हुआ कि जैसा कि आपके पास 10 लाख रुपए थे, ठीक है, तो इस 10 लाख रुपए को आपने इस तरीके से बिजनेस में इन्वेस्ट करा कि 10 या 15 दिन के बाद जब आपको पता चले कि इस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग में इतना फंड लगाया है और इतना फंड रिजर्व करके रखा है कि जैसे ही आपको पता चला कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है तो आपने एक एडोकेट क्वांटिटी में, जिससे आपका काम चल जाए, उस प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हो मार्केट से, ताकि जो है आप उसे सेल कर सको फर्दर, ठीक है, और फिर कुछ बचा करके आप रख सकते हो पैसे यहाँ पे, ठीक है। तो फंड हमेशा ध्यान रखना, सॉरी, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है आप हमेशा ध्यान रखना कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि आप ये समझ सकें, ठीक है, और ये कर सकें कि जब कभी भी आपके बिजनेस को फंड की आवश्यकता हो, आपके बिजनेस के पास वो फंड अवेलेबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने इधर उधर से सारा पैसा जमा किया और सारा पैसा एक ही बार में बिजनेस में लगा दिया, क्योंकि तो बिजनेस का नेचर समझने में काफी समय लगता है, मार्केट का ट्रेंड समझने में काफी समय लगता है, हम लोग वो इंस्टेंटली कभी भी डिसाइड नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट में ट्रेंड नए नए आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इतना फंड होना चाहिए कि
उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम स्टॉक अवेलेबल करवा सके। ठीक है, सो ये मेन ऑब्जेक्टिव हो गया। क्या है मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग का? फाइनेंशियल प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब कभी भी फंड की आवश्यकता हो बिजनेस को, उस समय जिस समय जरूरत है उस समय वो अवेलेबल करवा सके फंड की। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड जो पॉइंट है वो है, जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात होगी तो फाइनेंशियल प्लानिंग जो है थोड़े से लंबे समय के लिए होता है, 3 से 5 साल का समय होता है, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग का। लेकिन अगर फाइनेंशियल प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि 1 साल से कम समय के लिए की जाती है तो उसे हम लोग बजट या फाइनेंशियल बजट कहते हैं। ठीक है, बजट ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी सब में, ठीक है, एनसीईआरटी एनआईओएस की सब में बजट ही मेंशन है, तो इसीलिए बजट ही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट पॉइंट है कि फाइनेंशियल प्लानिंग जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे सोचना तो इसमें एक चीज को हम लोग एज्यूम करके चलते हैं, एक चीज को हमेशा फोरकास्ट करके चलते हैं कि सेल्स कितना होगा। ठीक है, सेल्स से रिलेटेड फोरकास्ट करके चलते हैं। हमें तो पता नहीं है ना, हम बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, हम नई दुकान खोलने जा रहे हैं, हमें थोड़ी ना पता कि कितना जो है बिकने वाला है, कितने कस्टमर आएंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग मान के चलते हैं कि मान लो 100 कस्टमर आएंगे 1 महीने में, ठीक है, या 1 साल में, जो भी, 1 साल में है 100 बहुत कम हो गए, 1 साल में मैं मान के चलता हूँ 10,000 कस्टमर आएंगे। ठीक है, अगर 10,000 कस्टमर आ रहे हैं किसी मोबाइल की शॉप में खोलने जा रहा हूँ तो मुझे उनकी वेराइटीज कितनी रखनी पड़ेगी? एटलीस्ट 10,000 कस्टमर साल भर में आएंगे तो मुझे इस तरीके से स्टॉक बनाना पड़ेगा अपना कि ये जो 10,000 कस्टमर है उनके लिए उतनी वेराइटीज ऑफ फोन अवेलेबल हो ताकि वो ये भी फोन पसंद कर सकें, ये भी फोन मैं दिखा सकूं, ये भी फोन मैं दिखा सकूं। ठीक है, तो हम लोग जो है ये 10,000 क्या कर रहे हैं, एस्टिमेट करके चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ऐसी जगह पे हमने शॉप लगाया है जहाँ पे जो है मार्केट बिल्कुल डाउन है, हो सकता है दिन भर में एक आध कस्टमर आ जाए और हमने उस जगह पे 10,000 जो है पर डे के हिसाब से हमने फोन रखा हुआ है, कभी नहीं हो सकता वो चीज़। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा जो है एक सेल्स फोरकास्ट को लेकर के चलता है। जब भी हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे तो जिस बिजनेस में हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उस बिजनेस में नेक्स्ट ईयर तक या फिर जितने समय का हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं उतने समय में कितना सेल होगा ऑन एन एवरेज, ये एज्यूम करके चलते हैं, जिसे सेल फोरकास्ट कहते हैं। क्लियर हो गया, ये हिंदी में पढ़ लेना। नेक्स्ट है मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, फाइनेंशियल कॉस्ट और फ्लोटेशन कॉस्ट, इसमें हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि सेम है लेकिन सेम नहीं है। देखो, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होता है, जब कभी भी, ठीक है, आपके पास क्या है, बिजनेस के पास फंड आया, ठीक है, बिजनेस के पास क्या आया, फंड आया, तो इस फंड को एक्वायर करने में, मतलब अलग अलग सोर्सेस से फंड को लेने में, ठीक है, जो आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़े या फिर इस फंड को आप कहीं पे एलोकेट कर रहे हो बिजनेस के अंदर, तो इस फंड को एलोकेट करने में, ठीक है, आपको कुछ अलग से एक्सपेंसेस करना पड़े, तो ये सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, जो आपका जो कैपिटल है जिसे आपको इन्वेस्ट करना है, जिसे आपको बिजनेस में यूज करना है, तो बिजनेस में अपने कैपिटल को या अपने फंड को यूज करते समय आप जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करते हैं उसे हम लोग फाइनेंशियल कॉस्ट कहते हैं। एकदम हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर से गया होगा, तो इसे हम लोग और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे मेंशन है लाइंस उसे अच्छे से क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, सो फाइनेंशियल कॉस्ट ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी का कॉस्ट, रिफर्स टू द एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विथ ऑब्टेनिंग एंड यूजिंग फंड्स फॉर अ बिजनेस। ठीक है, जो फाइनेंशियल कॉस्ट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, बेसिकली ये उस तरह के एक्सपेंसेस से, उस तरह के खर्चों से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है विथ ऑप्टेनिंग, ऑप्टेन करना, ठीक है, ऑप्टेन करना एंड यूजिंग, यूज करना फंड को, ठीक है, फॉर अ बिजनेस, मतलब बिजनेस के अंदर जो फंड है या बिजनेस से रिलेटेड जो फंड है वो फंड ऑप्टेन जो हो रहा है, ठीक है, मतलब जो फंड आ रहा है, और फंड यूजिंग मतलब जो फंड यूटिलाइज किया जा रहा है, ये दोनों सिचुएशन में जो एक्सपेंसेस हम लोग कर रहे हैं, अमाउंट जो खर्चा कर रहे हैं उसे हम लोग फाइनेंशियल कॉस्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
हमने देखा था फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या था कि हमने बैंक से जो है एक अमाउंट लोन लेना हो रहा है, ठीक है, लोन लेना पड़ रहा है। तो जो लोन का अमाउंट है, बैंक ने बोला भाई आपको प्रोसेसिंग चार्जेस देनी पड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं 10 लाख का बैंक से हम लोग लोन ले रहे हैं, तो उस समय जो है बैंक वाले जो है 10 हजार का प्रोसेसिंग चार्ज ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये जो 10 हजार का जो प्रोसेसिंग चार्ज हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा फ्लोटेशन कॉस्ट भी हो गया क्योंकि बोरो कर रहे हैं हम बैंक से, ठीक है। फ्लोटेशन कॉस्ट में बोरो वर्ड मेंशन कर रहा गया है, ठीक है। जब भी आप लोन ले रहे होगे, उधार ले रहे होगे, तो उस समय जो एक्सपेंसेस करते हो, जो प्रोसेसिंग चार्ज आप पे कर रहे हो, ठीक है, उसे हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो सिर्फ बोरो से जुड़ा हुआ नहीं है, आपके पास जहां जहां से सोर्सेस से पैसे आ रहे हैं, मान लो आपका कोई फ्रेंड है वो भी आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसने बोला कि भाई देख मैं रहता हूँ फॉरेन कंट्रीज में, ठीक है, मैं घूमता रहता हूँ इधर उधर, मैं तुझे पैसे दे दूंगा इन्वेस्ट करने के लिए, तू बिजनेस में लगाइयो, प्रॉफिट होगा मुझे प्रॉफिट शेयर कर देना, लेकिन मैं तेरे बिजनेस में हाथ नहीं बटाने वाला, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, उसने क्या करा, ठीक है, फॉरेन से मनी ट्रांसफर करा, ठीक है, आपके अकाउंट में। उसने ट्रांसफर करा होगा डॉलर में, आपके अकाउंट में वो ट्रांसफर होकर के किसमें आया, रुपीज में। बैंक ने क्या करा, इस ये जो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, डॉलर से रुपीज में ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है, इसका कुछ वो प्रोसेसिंग चार्ज काटेगा, ठीक है, कुछ रुपए। तो ये जो काट रहा है कुछ रुपए, ये क्या है, एक एक्सपेंसेस है, ठीक है। और यहाँ पे जो है बोरो नहीं की कर रहे हो आप फ्रेंड से, फ्रेंड एज अ शेयर होल्डर जो है आपकी कंपनी में आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन पे जो खर्चा हुआ प्रोसेसिंग फी में बैंक का, या बैंक ने जो चार्ज काटे, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग फाइनेंशियल कॉस्ट कहेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से ये तो हो गया, मतलब जब बिजनेस में आप अलग अलग सोर्सेस से पैसा ले रहे हो, अब फंड को जब आप एलोकेट करोगे, जब आपके पास पैसा आ गया, आपने देखा कि इस पैसे से जो है मैं एक फैक्ट्री लगाऊंगा, फैक्ट्री में ये मशीन लगाऊंगा, इस मशीन की कीमत कितनी है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ 2 लाख रुपए इस मशीन की कीमत है, ठीक है। तो आप जो है गए, आप मशीन खरीद के लेकर के आए, आप गए खरीदने के लिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, आप गए मंडी में जहाँ जाना है आपको, ठीक है, मशीन खरीदने के लिए। तो आप मशीन खरीदने के लिए गए, आपने मशीन खरीद ली 2 लाख रुपए में, तो वो वहां से उड़ के थोड़ी ना आएगी, आपको ट्रांसपोर्ट खर्चा तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से जो ट्रांसपोर्ट चार्जेस जो लगा, ठीक है, ये तो आपने काउंट नहीं करा था ना पहले, आपको पता था कि मशीन का दाम इतना होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगा ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ठीक है, वो क्या हो गया, फाइनेंशियल कॉस्ट। जब आप मशीन लेकर के आओगे, तो एक बंदा आकर के उसे इंस्टॉल करेगा, तो वो अपना चार्जेस लेगा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो एक एक्सपेंसेस हो गया। तो जब आप फंड को एलोकेट कर रहे हो, तो उस समय भी कुछ जगहों पे आपको क्या करने पड़ रहे हैं, एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं, तो दीज एक्सपेंसेस आर नोन एज फाइनेंशियल कॉस्ट। क्लियर हो गया। अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल कॉस्ट इज क्रूशल फॉर असेसिंग द ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल, ठीक है। जब हम लोग फाइनेंशियल कॉस्ट को समझते हैं अच्छे से, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये कैपेबिलिटी आती है कि जो कैपिटल है, उस कैपिटल का जो एक्सपेंसेस हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, जो पूंजी आ रही है हमारे पास, ये पूंजी किस तरीके से इन्वेस्ट हो रही है अलग अलग जगहों पे, हम उसे समझ सकें, एसेस कर सकें उस चीज को, ठीक है, एंड मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन। और उसके बिहाफ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, तो उस बिहाफ पे हम लोग एक अच्छा सही ढंग का फाइनेंशियल डिसीजन ले सकें। क्लियर हो गया। फाइनेंशियल कॉस्ट, टाइप ऑफ फाइनेंशियल कॉस्ट, बेसिकली जो फाइनेंशियल कॉस्ट होता है वो 3 टाइप का होता है। एक को कहते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट, दूसरा होता है मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और तीसरा होता है मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम लोग शॉर्ट में WACC कहते हैं। पहला जो है वो है मेरा कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट मतलब डेट उधार, तो उधार का जो कॉस्ट पड़ रहा है, बहुत सिंपल, ऐसे ऐसे समझो कि कंपनी ने या बिजनेस ने क्या करा, उधार लिया 10 लाख रुपए का, तो वो जो 10 लाख रुपए जब देगी तब देगी, उसे मंथली बेसिस पे लो कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जहां से उन्होंने क्या करा है, उधार लिया है। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये क्या हो गया, डेट का कॉस्ट, मतलब जो उधार लिया है उसका कॉस्ट, जो कंपनी लायबल है पे करने के लिए। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो गया, द कॉस्ट ऑफ अ कंपनी इनकर्स फॉर
फॉर बोरोइंग मनी, जब मनी बोरो करती है तो उसे क्या करना पड़ता है, कंपनी को एक कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, एक कॉस्ट फेस करना पड़ता है. इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन्स और बॉन्ड्स. दूसरा मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा, ठीक है. तो जब शेयर होल्डर ने जब पेमेंट करा, पैसा लगाया बिजनेस में, वो चाहेगी कि कंपनी को जब भी प्रॉफिट हो तो वो क्या करे, उस प्रॉफिट का एक पोर्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, तो ये जो डिविडेंड है ये हमें दे, ठीक है, उस डिविडेंड का कुछ पोर्शन हमें दे. तो जो अल्टीमेटली जो जो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म होगा तो जो प्रॉफिट होगा उस, तो कंपनी क्या है, लायबल है यहाँ पे, कि उस प्रॉफिट में क्या करेगी, कुछ पार्ट जो है जो अलग अलग शेयर होल्डर्स है उन्हें देगी अपने प्रॉफिट में से, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पैसा इक्विटी के फॉर्म में लगा था उसके बिहाफ पे कंपनी ने क्या करा, अपने प्रॉफिट को एज अ डिविडेंड फॉर्म जो है अलग अलग शेयर होल्डर्स को दिया, तो एक कॉस्ट पे करा. दैट कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी. क्लियर हो गया. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स. जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करा है कंपनी के अंदर, वो क्या करेंगे कि जब भी प्रॉफिट होगा तो वो एक्सपेक्ट तो करेंगे ना कि कुछ रिटर्न हमें मिल जाए, ठीक है. शेयर मार्केट में ये बहुत ज्यादा दिखता है, ठीक है. दिस कुड कम फ्रॉम डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है. ये कहां से आता है, डिविडेंड से आता है और कैपिटल एप्रिसिएशन से आता है. देखो अब यहां पे आपको थोड़ा सा ये डाउट होगा कि कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है. बेसिकली देखो क्या होता है कि जब भी हम लोग एज अ कैपिटल पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में हमने क्या करा, पैसा लगाया, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है. जैसे सपोज एक मशीन खरीदी गई, ठीक है, ये जो मशीन खरीदी गई अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि इस मशीन का जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में. तो डिमांड जब बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, इसका प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो जब प्राइस इंक्रीज हुआ, क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है मार्केट में, तो प्राइस इंक्रीज होगा. तो जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो इस कंपनी के लिए जिसके पास ये मशीन है, ठीक है, वो चाहे तो इस मशीन को क्या करेगी, बेच सकती है, क्योंकि प्राइसेस क्या है, अभी ज्यादा है, ठीक है. तो कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, अचानक से कुछ ऐसा ट्रेंड चल जाए या मार्केट में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से जो कैपिटल है, जो पूंजी लगी है, उस पूंजी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है. इसे और दूसरे एग्जांपल से समझा जा सकता है. जैसे जो कंपनी है वो सपोज 2016 में स्टार्ट हुई, तो उस समय कंपनी का जो टोटल वैल्यू होगा, नेटवर्थ होगा, वो कुछ होगा, मुझे पता नहीं है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए, ठीक है, जब कंपनी स्टार्ट हुई 2016 में. ये घुस गया है 2024, ठीक है, 2024, आज कंपनी बहुत बड़ी हो गई है, बहुत रिपुटेशन इसका बिल्ड हो गया है. तो अब जो कंपनी का जो टोटल वैल्यू है वो 1 करोड़ जो है वो कन्वर्ट हो गया है 1000 करोड़, ठीक है. तो मतलब अब जो कंपनी का जो नेट वर्थ है वो कितना हो गया, 1000 करोड़. तो ये जो हुआ, जो क्या हुआ, कंपनी ने अपने आप को जिस तरीके से एस्टेब्लिश करा, ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे कैपिटल एप्रिसिएशन, ठीक है. और डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है, मैं आपको इसका डेफिनेशन मेंशन कर दूंगा, या फिर आप गूगल कर सकते हो कैपिटल एप्रिसिएशन क्या होता है, को वहां से भी समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है मेरा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC. ये पहले फुल फॉर्म याद कर लेना, WACC का फुल फॉर्म क्या होता है. नाउ बेसिकली ये है क्या, तो कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इन दोनों का एवरेज है, ठीक है. और इसका जो है कैपिटल स्ट्रक्चर, जब कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, अभी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है नेक्स्ट पार्ट, अभी जस्ट अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है. तो कैपिटल स्ट्रक्चर जब भी कंपनी का बनाया जाता है कि कहाँ पे कौन सा पैसा लगेगा, उस समय ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है समझने में, ठीक है. बस इतना ही तीसरे वाले में है, NCERT में तीसरा वाला गिवन नहीं है, ठीक है. तो अब ये ध्यान रखना कि ये जो फाइनेंशियल कॉस्ट है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ डेट हो, चाहे वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो, चाहे वो WACC हो, ये तीनों बेसिकली जो है हमें कैपिटल कॉस्ट मेजर करने में, कैपिटल कॉस्ट फाइंड करने में इसकी जरूरत होती है, ठीक है, या इन तीनों के जरिए हम लोग कैपिटल कॉस्ट को फाइंड करते हैं, ठीक है. तो ये ध्यान रखना कि कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC है,
इन तीनों के द्वारा हम लोग क्या मीजर करते हैं, तो कैपिटल कॉस्ट को मीजर किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हिंदी वाला है, पढ़ लेना हिंदी वाले स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेरा फाइनेंशियल रिस्क। बेसिकली देखो क्या होता है, जब भी हम लोग किसी बिजनेस के अंदर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, तो ये फाइनेंशियल डिसीजन जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट दे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नेगेटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकती हैं। तो जो रिस्क है, जैसे अगर हम लोग मशीन मंगा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हमें प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो मशीन को थोड़ा सा कम जगह, कम प्राइस वाला भी मशीन मंगाएंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अब वो कम प्राइस वाला मशीन, उसकी गारंटी नहीं है कि वो टिके। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिस्क हो गया। तो अब जो है फाइनेंशियल रिस्क क्या हो गया बेसिकली, तो फाइनेंशियल रिस्क जो है पोटेंशियल एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है, मतलब अचानक से किसी तरह का एडवर्स इम्पैक्ट आ गया, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन, जो हमने फाइनेंशियल डिसीजन लिया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ऑन द कंपनीज अर्निंग, जिसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, कंपनीज के अर्निंग पे पड़ेगा, एंड द शेयर होल्डर वैल्यू, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर एंड द एबिलिटी टू मीट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। क्या है यहाँ पे, मतलब जब भी फाइनेंशियल रिस्क आता है तो वो हमेशा इम्पैक्ट कर देता है कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को, जिससे जो है उनकी जो एबिलिटी होती है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट करने की वो खत्म हो जाती है, ठीक है, वो अनसर्टेन हो जाती है, ठीक है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ मैं, फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाए आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा उसमें अचानक से कुछ ऐसा हो जाए जिससे, ठीक है, या फिर आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया, ठीक है, आपने एक फोन ऑर्डर करा, ठीक है, कि मुझे इस फोन को सेल करवाना है, लेकिन उस फोन में कुछ फॉल्ट था, कंपनी ने वो फोन ही बंद कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका एक जो फाइनेंशियल डिसीजन है वो एक फाइनेंशियल रिस्क में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये ओवरऑल आपकी कंपनी के अर्निंग को क्या करेगा, इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, शेयर होल्डर के वैल्यूज को इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर पे। देखो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है, जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे फंड जो रेज हो रहा है वो दो सोर्सेज से रेज होता है। एक उधार हम लोग लेते हैं बिजनेस में, दूसरा जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ऑनर्स हैं, उनका पैसा, जिसे इक्विटी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब दो मेन सोर्स है फंड का, एक डेट उधार और दूसरा इक्विटी, ठीक है। तो इन दोनों से कितना पैसा आया है ऑर्गेनाइजेशन में, और इन दोनों पैसों में से कौन सा पैसा हमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितना लगाना है, कितना रिजर्व करके रखना है, ये सारी चीजें कहाँ पे प्रोसेस होती हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। तो बेसिकली कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है जो कि कंपनी जहाँ पे क्या करती है, कंपनी फाइनेंस करती है इट्स ऑपरेशंस बाय कॉम्बाइनिंग द वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स, जो अलग अलग सोर्सेस हैं फंड्स के, उसे कॉम्बाइन करती है, ठीक है, ताकि जो कंपनी का जो फाइनेंस है वो ऑपरेट्स हो सके, स्पेशली डेट एंड इक्विटी। इन सिंपलर टर्म, आप साफ सामान्य शब्दों में या इजी शब्दों में, इट्स लाइक फिगरिंग आउट हाउ मच मनी अ कंपनी यूजेस, कितना मनी कंपनी यूज करती है फ्रॉम लोन और डेट, एंड हाउ मच कम्स फ्रॉम इट्स ऑनर्स एंड शेयर होल्डर्स, और कितना पैसा जो है कंपनी यूज करती है या आता है कहाँ से, शेयर होल्डर से और ऑनरशिप से। क्लियर हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पॉइंट है वो ये है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द राइट मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी इज क्रूशियल फॉर अ कंपनी। टू मच डेब्ट कैन लीड टू हाई इंटरेस्ट पेमेंट वाइल टू मच इक्विटी डाइल्यूट ऑनरशिप। क्या कह रहा है ये लाइन, ये कह रहा है कि जो हमने अभी देखा कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीजें होंगी, एक डेट का पैसा और दूसरा होगा इक्विटी का पैसा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या कि ये दोनों सोर्सेस से कितना फंड रेज हो रहा है उसे समझना, और उस फंड को कहाँ पे इन्वेस्ट करना है ये समझना। तो एक बिजनेस के अंदर कौन सा पैसा, चाहे वो डेट का पैसा हो, ठीक है, चाहे वो इक्विटी का पैसा हो, इसका कितना पार्ट हमें यूटिलाइज करना है, कितना पार्ट रिजर्व करके रखना है, ठीक है, उसका एक पर्टिकुलर प्रपोर्शन होता है, उसका एक राइट प्रपोर्शन होता है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मतलब सबका एक जैसा नहीं होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन की जरूरतें अलग अलग तरह की होती है,
हर बिजनेस का एक अपना नेचर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ये डेट उधार और जो इक्विटी है इन दोनों का रेशियो अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो डेट और इक्विटी का जो एक राइट प्रपोर्शन होता है एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, ये हमें समझने में कौन मदद करता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। बहुत ज्यादा अगर हम लोग डेट ले लेते हैं किसी बिजनेस में, बहुत ज्यादा उधार अगर हम लोग बना लेंगे, तो विजय माल्या वाला केस हो जाएगा और हमें भागना पड़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, हम लोग अपना उधार को हमेशा मेंटेन करके चलते हैं, हमें इतना उधार लेना है जिससे हम उसे चुका सकें सही तरीके से। उसी तरीके से जब हम लोग बहुत ज्यादा ऑनरशिप बुला लेते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स बना लेते हैं, तो उस सिचुएशन में जो मेन पावर है वो क्या होती है, डाइल्यूट हो जाती है, ठीक है। मेन अथॉरिटी या जो ऑनरशिप है वो क्या होता है, डाइल्यूट हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि किसके पास है, कौन इस कंपनी का मालिक है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कंपनीज एम्स टू हैव, ठीक है, कंपनीज एम्स टू हैव एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर दैट मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न टू द शेयर होल्डर। देखो दूसरा वाला जो है वो ये कह रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो मेन एम है, ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर का जो मेन एम है वो ये है कि जो कैपिटल का जो कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट मैंने बात कर लिया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होगा वो मिनिमाइज हो सके, वो कम हो सके। मतलब हमें ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना है जहां पे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो मिनिमम हो, ठीक है, एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न टू शेयर होल्डर, और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके किसे, शेयर होल्डर को, ठीक है। शेयर होल्डर के पास ज्यादा से ज्यादा क्या आ सके, प्रॉफिट आ सके, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अलग अलग तरीके से कैपिटल स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है वो है मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो। बेसिकली डेट टू इक्विटी रेशियो जो है कंपनी का, कंपनी के पास कितना उधार है, कितना डेट है, और कंपनी के पास इक्विटी कितने रुपए की है, इन दोनों का जो है रेशियो डेट इक्विटी रेशियो कहलाता है, या डेट टू इक्विटी रेशियो कहलाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल डेट डिवाइड बाई टोटल इक्विटी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंटरप्रिटेशन, अब देखो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो DTER, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल डेट, ठीक है, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल क्या हो गया, इक्विटी हो गया, टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इक्विटी। अब देखो अगर हम लोग 1/4 लिखे, ठीक है, एक हमने लिखा 1 और एक हमने लिखा 4/1, तो अब बोलोगे 1/4 जो है सर ये 1 से क्या है, छोटा है, पहला वाला 1 से छोटा है, दूसरा वाला जो है वो 1 ही है, ठीक है, दूसरा वाला कितना है, 1 ही है, ठीक है, दूसरा वाला 1 ही है, और जो तीसरा वाला है वो क्या है, 4/1, ये 1 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो तीन केसेस हो सकती हैं। पहला केस में अगर डेट को अगर हम पकड़ते हैं, तो पहला केस में डेट जो है वो एज कंपेयर टू इक्विटी कम है, दूसरा केस जो है उसमें डेट और इक्विटी दोनों बराबर है, तभी दोनों कट करके बनाएगा, ठीक है। दूसरे केस में क्या है, डेट और इक्विटी क्या है, बराबर है, और तीसरे केस में क्या हुआ कि जो इक्विटी है वो ज्यादा हो गया, सॉरी वो कम हो गया एज कंपेयर टू डेट, मतलब डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है लेकिन जो इक्विटी है वो कम है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा डेट टू इक्विटी रेशियो, और इससे रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट केसेस हैं। तो यहाँ पे जो पहला केस है, तो फर्स्ट केस में क्या है कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है, ये पहला केस है। तो जब लेस देन 1 होगा, तो अभी हमने देखा था कि डेट टू इक्विटी का जो वैल्यू था, ठीक है, वो लेस देन 1 होने के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियस है कि ऊपर वाला जो पोर्शन है वो छोटा होगा एज कंपेयर टू नीचे वाला, मतलब 1/4 जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें क्या था कि जो डेट की वैल्यू 1 है वो, और इक्विटी की वैल्यू क्या है, 4 है, यानी जो डेट होगा वो हमेशा छोटा होगा इक्विटी से, डेट से जो हमें मिल रहा है पैसा, ठीक है, वो क्या होगा, वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू इक्विटी से, ठीक है, मतलब इक्विटी का अमाउंट ज्यादा होगा, डेट का अमाउंट क्या होगा, कम होगा। इससे क्या आउटकम निकलेगा, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले समझा था कि जो डेट जो होता है वो हमेशा चीपर होता है, मतलब सबसे चीपेस्ट फाइनेंशियल सोर्स है वो, तो ऑब्वियस है कि जो कंपनी है वो थोड़ा स्मार्ट वर्क नहीं कर रही है। अगर वो डेट में कम, डेट का पैसा कम ले रही है अपने बिजनेस में, तो इसका मतलब वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट ये निकल रहा है। दूसरा क्या निकल रहा है कि जो कंपनी है वो
रिस्क से बचना चाह रही है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब ज्यादा डेट हो जाता है तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ जाती है, भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को नुकसान हो। ठीक है, इस दोनों ही केसेस में जो है उसे, उसने जो उधार लिया है वो उसे चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी को लग रहा है कि भाई हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट बहुत कम हो, जिससे हम अपनी लाइबिलिटीज अगर ज्यादा लेकर के अगर हम बैठे कि हमें ज्यादा क्रेडिट लेना है मार्केट से, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, हम उतना पे शायद ना कर पाए। तो इसीलिए कंपनी क्या कर रही है, बचना चाह रही है, जो बिजनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बचना चाह रहा है ज्यादा लाइबिलिटीज से। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, रिस्क की तरफ नहीं भाग रहा है, यानी कि डेट नहीं ले रहा है। ये दो इसके आउटकम निकलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेट टू, ये ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन बनता है कि डेट टू इक्विटी रेशियो जो है अगर लेस देन वन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी है वो इक्विटी पे ज्यादा डिपेंड है एज कंपेयर टू डेट, और दूसरा जो है वो क्या है कि इट माइट इंडिकेट्स अ लोअर फाइनेंशियल रिस्क, जो अभी मैंने बात करा। ठीक है, कि जो फाइनेंशियल रिस्क होगा वो यहाँ वहां पे कम लेना चाहेगी। ठीक है, बट इट कुड ऑल्सो मीन द कंपनी इज नॉट टेकिंग फुल एडवांटेजेस ऑफ डेट एज अ सोर्स ऑफ चीपर फाइनेंसिंग। ठीक है, क्योंकि डेट जो है वो एक चीपर फाइनेंशियल सोर्स हो गया, तो कंपनी क्या कर रही है, इसका फुल एडवांटेजेस नहीं ले रही है। ठीक है, पहला वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया, डेट टू इक्विटी रेशियो जब लेस देन वन होगा तो क्या होगा। सेकेंड केस है, डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो अराउंड वन होगा तो क्या होगा। तो यानी डेट टू इक्विटी जो है वो अराउंड वन है। ठीक है, अराउंड वन है, इसका मतलब डेट और इक्विटी जो है वो बैलेंस फॉर्म में चल रहा है, दोनों समान रूप से लिया जा रहा है कंपनी में। ठीक है, देखो ये जो है सबसे स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी जो है दोनों को इम्पोर्टेंस दे रही है। ठीक है, वो फाइनेंशियल रिस्क कम हो उसके लिए वो इक्विटी पे भी फोकस कर रही है, और चूंकि चीपर फाइनेंशियल सोर्स है डेट, ठीक है, तो वो डेट पे भी फोकस कर रही है, तो दोनों जगहों पे फोकस कर रही है। तो इस सिचुएशन पे क्या होता है, इस सिचुएशन पे हमें कंपनी का जो स्मार्ट वर्क है वो पता चलता है। तो अ डेट टू इक्विटी रेशियो इज अराउंड वन सजेस्ट अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। ठीक है, मतलब वो बैलेंस लेकर के चल रही है, दोनों बना के चल रही है। इट मे इंडिकेट अ मॉडरेट लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, इट मे इंडिकेट अ मॉडरेट लेवल ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड द कंपनी इज यूजिंग बोथ डेट एंड इक्विटी टू फंड इट्स ऑपरेशंस एंड ग्रोथ। बहुत सिंपल है, क्लियर हो गया सेकेंड वाला पॉइंट। ठीक है, तीसरा क्या है, यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो जो होगा वो ग्रेटर देन वन होगा। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा है, नीचे वाला पोर्शन कम है, यानी डेट ज्यादा लिया हुआ है एज कम्पेयर टू इक्विटी से। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनते हैं जब डेट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए इक्विटी से, तो इस सिचुएशन पे क्या होगा कि जो कंपनी है वो अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर पाएगी एक टाइम पे, और फिर कंपनी डिफॉल्टर जो है घोषित हो जाती है वहां पे। ठीक है, जो बिजनेस है वो पूरा तरह से बंद हो जाएगा, जो ऑनर होगा उसे भागना पड़ेगा देश छोड़कर। ठीक है, तो जो जो यहाँ पे जो डेट होगा अगर ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू इक्विटी, तो कंपनी जो है अगर थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 4/3 है। ठीक है, तो ये भी जो है क्या है, 1 से ज्यादा है, लेकिन थोड़ा सा डेट ज्यादा है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जो कंपनी होगी तो वो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना चाह रही है। वो चाह रही है कि हम लोग, अगर उसे लग रहा है कि रिस्क मतलब मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो उस सिचुएशन पे वो क्या करेगी, डेट की तरफ हो जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि वो चीपर सोर्स है। ठीक है, वहीं इक्विटी पे कम फोकस करेगी, वो चाहती है कि डाइल्यूट ना हो मेरा बिजनेस, मतलब बिजनेस का जो ऑनरशिप है वो डाइल्यूट ना हो, तो इसीलिए वो क्या कर रही है, इक्विटी पे कम फोकस कर रही है और डेट पे ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक है, सो ऐसे जो मेन जो पॉइंट्स या मेन आउटकम्स जो निकलता है जब डेट टू इक्विटी रेशियो ग्रेटर देन वन होता है, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, अ हाई डेट टू इक्विटी रेशियो ग्रेटर देन वन इम्प्लाइज अ सिग्निफिकेंस रिलायंस ऑन डेट फाइनेंसिंग एंड शो ऑल्सो इंक्रीज फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, क्या बढ़ रहा है, इसे रिस्क बढ़ रहा है। दूसरा जो है, अ कंपनी विथ अ हाई रेशियो मे फेस चैलेंजेस इन मीटिंग इट्स डेट ऑब्लिगेशंस, स्पेशली इफ इकोनॉमिक कंडीशन वर्सन। जब ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमी जब डाउन होगी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जो है सही तरीके से प्रॉफिट नहीं कर पाएगा, तो उस सिचुएशन में भी उसे डेट पे करना है। ठीक है, तो 90% केसेस में क्या होता है कि कंपनी निकल नहीं पाती जब बहुत ज्यादा डेट का अमाउंट बढ़ जाता है,
और कंपनी फिर बंद हो जाती है, तो इस तरह का सिचुएशन फेस करना पड़ सकता है। ठीक है, इसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस केसेस में डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए जब जो है कंपनी का जो है रिस्क जो है बहुत ज्यादा हो, कंपनी रिस्क बहुत ज्यादा उठा रही है, तो उस समय डेट टू इक्विटी रेशियो क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारे टर्म्स जो है समझने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डेट टू इक्विटी, डेट एंड इक्विटी एंड देयर कॉस्ट एंड रिस्कीनेस फॉर अ फर्म। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग डेट और इक्विटी के बीच फंसे हुए हैं। ठीक है, अभी तक बहुत देर से डेट और इक्विटी ही चल रहा है। इसमें क्या था, डेट से रिलेटेड दो चीजें हैं, एक डेट का कॉस्ट, एक डेट से रिलेटेड रिस्क। उसी तरह से इक्विटी से रिलेटेड दो चीजें हैं, इक्विटी का कॉस्ट और इक्विटी का रिस्क। ठीक है, जब हम लोग कहीं से डेट ले रहे हैं तो डेट उधार जो ले रहे हैं उधार का कॉस्ट क्या पड़ रहा है, मतलब उधार तो ले ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ हमें कितना और एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है, तो ये हो गया डेट का कॉस्ट। ठीक है, डेट से जुड़ा हुआ रिस्क, क्या क्या रिस्क है डेट से जुड़े हुए वो समझना जरूरी है। उसी तरीके से इक्विटी है, इक्विटी जब हम लोग कोई लगा रहा है बिजनेस में, कोई इन्वेस्ट कर रहा है बाहर का आदमी और कंपनी का ऑनरशिप ले रहा है या शेयर होल्डर बन रहा है, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, वो इक्विटी जो है अपना बना रहा है, वहां पे इक्विटी लगा रहा है। ठीक है, तो जब इक्विटी जब आया तो उसके साथ साथ और कौन कौन से एक्सपेंसेस हुए, ठीक है, इस चीज को समझना। और साथ ही साथ जब इक्विटी आ रही है तो उस समय कौन किस टाइप के रिस्क आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों को अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस पॉइंट में। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है, वो पहला पॉइंट कह रहा है कि किसी भी फर्म के लिए डेट और इक्विटी का रिस्क और कॉस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब कभी भी सेम नहीं हो सकता, दोनों चीजें क्या होंगी, अलग होंगी। एक और बात, अलग अलग फर्म के लिए अलग अलग टाइप का डेट और इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है, अलग अलग टाइप का डेट के साथ कॉस्ट और रिस्कनेस होता है, अलग अलग फर्म के साथ उनकी इक्विटीज का कॉस्ट और रिस्कनेस अलग अलग होता है। मतलब सपोज तीन कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। कंपनी ए का जो डेट होगा, कंपनी बी का जो डेट होगा और कंपनी सी का जो डेट होगा, उसी तरीके से कंपनी ए की के पास जो इक्विटी होगी, कंपनी बी के पास जो इक्विटी होगी, कंपनी सी के पास जो इक्विटी होगी, तो तीनों का जो सिचुएशन है वो उनके बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, मतलब आप तीनों को एक ही तरह के डेट और इक्विटी रेशियो के साथ जो है आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, सेकंड पॉइंट क्या है, द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जो डेट का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा हमेशा इक्विटी के कॉस्ट से। ये हम लोगों ने अभी देख लिया था कि डेट का जो कॉस्ट पड़ता है बैठता है वो हमेशा कम बैठता है एज कंपेयर टू इक्विटी। कैसे कम बैठता है, तो दो यहाँ पे कंडीशंस हैं। एक हम लोगों ने जो पहले डिस्कस करा है कि जब भी हम लोग इनकम टैक्स पे करने जाते हैं तो प्रॉफिट से क्या होता है, जो हमारा जो टैक्स है, ठीक है, जो हमारा जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बाकी का अमाउंट पे टैक्स लगता है। ठीक है, या फिर आपको एक साल के अंदर आपको सारा का सारा लोन अमाउंट ही चुकाना है, तो जितना लोन अमाउंट होगा उसे माइनस कर देंगे, फिर जो बचेगा आपको उसमें से टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा जो होता है वो क्या है, देखो दूसरा वाला रीजन समझना पड़ेगा आपको। दो बंदे हैं यहाँ पे, एक का नाम है ए, पर्सन ए, दूसरे का नाम है पर्सन बी। ठीक है, और ये एक कंपनी है। दोनों ने सोचा, मतलब पहले वाले ने सोचा, ए ने सोचा कि मुझे इस कंपनी में क्या करना है, लोन देना है, मुझे इस कंपनी को कर्ज देना है। ठीक है, तो इस ए ने क्या करा, 10 लाख रुपए का कर्ज दिया। ठीक है, बी ने क्या करा, 10 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट करे। ठीक है, यानी 10 लाख रुपए बी के केस में क्या हो गया, इक्विटी। ठीक है, इक्विटी हो गया। ए के केस में ये 10 लाख रुपए क्या हो गए, तो इन्होंने क्या दिया है, लोन दिया है, तो ये लोन हो गया। अब दोनों की सिचुएशन समझो, ए जो है, ए ने जो 10 लाख रुपए दिए हैं, तो ए की मेंटेलिटी क्या है कि ये जो 10 लाख रुपए हैं ये मेरे सेफ। क्यों? क्योंकि इस कंपनी को प्रॉफिट हो लॉस हो कोई मतलब नहीं है, मेरा पैसा मुझे टाइम पे मिल जाए। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट भी मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पैसा दिया है उधार के फॉर्म में, तो मुझे समथिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी रिटर्न में मिलेगा या मिलता रहेगा जब तक वो कंपनी जो है मेरा पैसा वापस नहीं कर देती है। समझ में आया? बी के केस में क्या है, बी की सिचुएशन है कि इसने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं एज इक्विटी, तो अब इसे पता है बी को कि ये 10 लाख मुझे नहीं मिलने वाले,
मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा इस बिजनेस से। बी को लगता है कि कंपनी बढ़िया है, अच्छी है, और ये तुरंत प्रॉफिट नहीं देगी, लेकिन कुछ सालों में जो मैंने पैसा लगाया था उसका 10 गुना करके मुझे देगी। ठीक है, तो यानी बी के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई कि इसने जो पैसा इन्वेस्ट करा था वो नहीं मिलेगा इसे, लेकिन प्रॉफिट इतना ज्यादा मिलेगा कि वो आराम से जो है जो भी उसका उसने जो इन्वेस्ट करा था उसका 10 टाइम्स उसे मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी 10 लाख का 10 गुना कितना हो गया, 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ रुपए उसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर समझा जाए तो बी की सिचुएशन आपको क्लियर हो गई। अब देखो बी की सिचुएशन में एक प्रॉब्लम यह है कि बी को हमेशा एक रिस्क जो है लगेगा, उसे लगेगा कि यार प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, लेकिन लॉस हुआ तो मेरा पैसा तो डूब गया, ये 10 लाख रुपए तो मेरे गए, क्योंकि लॉस होगा तो लॉस में थोड़ी ना कंपनी लायबल है यहाँ। ठीक है, लेकिन इस केस में कंपनी क्या है, लायबल। तो जो लेंडर होता है, ठीक है, मतलब जो कर्ज दे रहा होता है, जो ए है जिसने अमाउंट को दिया है, ठीक है, उधार पे, तो ये श्योर होता है कि जो पैसा मैंने लगाया है वो मुझे रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाला। तो इस केसेस में वो जो इंटरेस्ट ले रहा होता है वो बहुत ही नॉमिनल होता है, बहुत ही कम होता है। तो अब चूंकि बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ही कम है, तो कंपनी जो है इस कॉस्ट को बियर कर सकती है बहुत आराम से, जिसके कारण जो ओवरऑल जो लोन अमाउंट है उसका जो कॉस्ट होता है वो कम बैठता है। ठीक है, तो दो, ठीक है, लोन अमाउंट है वो जो है क्या होगा, कम बैठेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म बिकॉज द लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन द इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क। दिस इज बिकॉज द लेंडर्स अर्न एन अश्योर्ड रिटर्न एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड देयरफॉर दे शुड रिक्वायर अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न। एडिशनली इंटरेस्ट पेमेंट कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कंपनीज इनकम when calculating profit, it is like getting a discount on the company's taxable income. ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया वही से लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है increased use of debt, therefore is likely to lower the overall cost of capital of the firm, provided that the cost of equity remains unaffected. अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह से या दो टाइप का जो है फंड आ रहा है, एक है मेरा इक्विटी का फंड और दूसरा क्या है मेरा बोरोड फंड, जो लोन अमाउंट है वो, इन दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा कैपिटल अमाउंट। ठीक है, कैपिटल अमाउंट बनता है या कैपिटल, हाँ अमाउंट बन गया, दोनों को मिला के कैपिटल अमाउंट या कैपिटल फंड बना मेरा। ठीक है, कौन कौन सा अमाउंट, एक इक्विटी का फंड और दूसरा है जो हमने लोन लिया है या बोरो करा है, लोन ले दे रहा हूं मैं। ठीक है, एक लोन अमाउंट या बोरोड अमाउंट और दूसरा हो गया मेरा इक्विटी अमाउंट, ये दोनों मिलकर के क्या बना, कैपिटल अमाउंट। अब देखो अगर इक्विटी ज्यादा है, ठीक है, अगर हमने इक्विटी को ज्यादा एक्वायर करा है, लोन को कम लिया है, मतलब कर्जा कम लिया है और इक्विटी मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाया है शेयर होल्डर्स के थ्रू, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसके एक्सपेंसेस एज कंपेयर टू लोन एक्सपेंसेस क्या है, ज्यादा है, तो इक्विटी का जो कॉस्ट होगा वो ज्यादा बैठेगा, यानी ओवरऑल जो कैपिटल होगा उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर बनाया है, इसका कॉस्ट ज्यादा हुआ है, इसका कॉस्ट कम है, तो अगर हम इक्विटी को बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल कैपिटल का कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा। वहीं अगर हम इक्विटी को फिक्स रखें और उस समय हम लोग लोन अमाउंट थोड़ा सा बड़ा कर दें तो ये बड़ा होगा, तो पहले सिचुएशन के कंपैरिजन में जहां हमने इक्विटी को बढ़ाया था, पहले सिचुएशन के कंपैरिजन में जब हम लोग यहाँ पे लोन को बढ़ा रहे हैं, लेकिन लोन का कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा जो बोरोड अमाउंट होता है उसका हमेशा कॉस्ट, डेट अमाउंट जो होता है उसका हमेशा कॉस्ट क्या होता है, कम बैठता है इक्विटी अमाउंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे लोन अमाउंट का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा, जिससे ओवरऑल कैपिटल का जो कॉस्ट होगा, कैपिटल का जो एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंक्रीज्ड यूज ऑफ डेट, जब हम लोग डेट को इंक्रीज करते हैं, therefore is likely to lower the overall cost, is likely to lower, कम कर देता है overall cost of capital,
lower the overall cost of capital of the firm provided that the cost of equity, provided मतलब यहाँ पे condition दे दिया कि जो equity का जो cost होगा वो क्या होगा, unaffected होगा, मतलब वो जो है change नहीं होगा। ठीक है, ये line important है, इसे अच्छे से समझना। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है दो चीजों की या capital cost की। capital cost का मतलब capital जो main पूंजी है, जो पूरा पूंजी है उस पे कितना खर्चा बैठ रहा है। ठीक है, तो कैपिटल का जो कॉस्ट होगा वो एक्चुअल में दो तरह का कॉस्ट होगा यहाँ पे, एक इक्विटी का कॉस्ट और दूसरा जो डेट जो लिया है हमने, जो उधार लिया है उसका कॉस्ट। ठीक है, मतलब कैपिटल के अंदर दो चीजें आ रही है, एक इक्विटी और दूसरा जो हो गया वो हो गया मेरा डेट या लोन। यानी कि जो कैपिटल कॉस्ट होगा उसमें भी दो चीजें आएंगी, एक इक्विटी कॉस्ट एक लोन कॉस्ट। हमें पता है जो लोन का जो कॉस्ट है या जो बोरोड अमाउंट का जो कॉस्ट है या जो डेट का जो कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट इक्विटी के कॉस्ट के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हम लोग लोन का अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो उसका जो कॉस्ट होगा वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा, वो कम बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो ओवरऑल जो कैपिटल का जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे कॉन्स्टेंट करके इक्विटी को बढ़ा दिए, इक्विटी बड़ा कर दिए, तो इक्विटी जब हम लोगों ने बड़ा करा तो इसका चूंकि खर्चा जो है ज्यादा बैठता है लोन के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियस है जो कैपिटल का जो कॉस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा वहां पे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि डेट इज चीपर बट मोर रिस्की। अब ये बताया हुआ है, इसे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, डेट जो है होता है वो हमेशा सस्ता होता है लेकिन बहुत ज्यादा रिस्की होता है। क्यों रिस्की होता है, तो दो रीजन है, मेन दो रीजन है। पहला कि लेंडर के साइड से कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जा सकता है कि भाई हम 15% थे अभी तक, लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन आ गई तो हमने 20% कर दिया, तो उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब बोलोगे कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं 15% दे रहा था तो मुझे 15 ही दूंगा, वो चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन में जब साइन करवाया जाता है तो ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया कि एक तो अनसिक्योरिटी हो गई कि अगर जैसे ही इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। सेकेंड, जब भी आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो या फिर आपका बिजनेस जो है एडवर्स सिचुएशन से गुजर रहा है, तो उसे जो बोरोवर जो लेंडर है उसे इन सब चीजों से मतलब नहीं है। भाई हमने लोन दिया है, हमें मेरा पैसा चाहिए, ठीक है, अब कैसे दोगे वो मतलब नहीं है। तो ये सब कुछ फाइनेंशियल रिस्क है जो हमें समझना पड़ेगा डेट से रिलेटेड। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो है कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है। ठीक है, वो जो डेट और इक्विटी वाला जो था वो खत्म हो गया। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, देखो किसी कंपनी का इस तरीके से बनाया जाता है कि वो दो चीजें कर सके, एक प्रॉफिटेबिलिटी को समझ सके, प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड कर सके बहुत अच्छे से, मतलब कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है इस चीज को समझ सके। कैपिटल स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया जाता है, मेंटेन किया जाता है, प्लस साथ में जो फाइनेंशियल रिस्क है उसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी दस अफेक्ट्स बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क। अ कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी सेड टू बी ऑप्टिमल। ठीक है, एक कैपिटल स्ट्रक्चर को ऑप्टिमल मतलब बेस्ट कहा जा सकता है व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इज सच, कि मतलब तब कहा जा सकता है जब डेट उधार और इक्विटी का जो अमाउंट होगा वो इस प्रपोर्शन में होगा कि दैट इट रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, जो इक्विटी का जो शेयर है वो क्या करे, वो इंक्रीज हो वहां पे। ठीक है, मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो फोकस कर रहा है किस चीज पे, कि जो डेट का अमाउंट है, मतलब डेट का जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो एज कंपेयर टू इक्विटी। सुनाया, ठीक है, लॉजिक यहाँ पे क्या कह रहा है अच्छे से समझना। यहाँ पे कह रहा है कि द कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी सेट टू बी ऑप्टिमल, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो तब कहा समझा जाएगा कि बेस्ट है, ऑप्टिमल है, जब जो प्रपोर्शन होगा डेट और इक्विटी का, ठीक है, इक्विटी का प्रपोर्शन डेट का प्रपोर्शन, वो इस तरीके से मेंटेन होगा कि जो इक्विटी का शेयर है, वो हमेशा डेट के शेयर से थोड़ा ज्यादा रहे, ठीक है, इंक्रीज रहे। क्लियर हो गया। ठीक है, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इज ओवरऑल कैपिटल इज, अच्छा, द प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है,
तो फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? फाइनेंशियल लिवरेज होता है कि पूरी पूंजी में जो आपका डेट का जो अमाउंट है, ठीक है, वो कितना है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है मेरा कैश फ्लो पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? देखो, ऑर्गेनाइजेशन का जो कैश फ्लो है वो पोजीशन हमेशा मेंटेन होकर के चले। मतलब क्या हुआ? देखो, एक कंपनी के अंदर जो कैश होगा या जो इन्वेस्टमेंट होगा वो कहाँ कहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले जो नॉर्मल एक्टिविटीज है बिजनेस की, डे टू डे एक्टिविटीज है, वहां पे इन्वेस्टमेंट होगा। दूसरा, अगर कंपनी को कोई फिक्स्ड एसेट खरीदना हो तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तीसरा, बीच में तुरंत याद आया कि अरे ये बाकी बचा हुआ है, ये मतलब इसका बाकी है, इसका बकाया है, ये मुझे चुकता करना है, ठीक है, मतलब यहाँ से मेरा डेट है, इस डेट को मुझे इस तारीख को जो है पे करना है, तो मुझे उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो मुझे इन तीन जगहों के लिए जो है हमेशा मेरे पास एक कैश फ्लो बना हुआ रहे, यानी मेरे पास मतलब मेरे बिजनेस के पास, ठीक है। तो ये पहला फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर है जो क्या करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। सो पहला फैक्टर क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कैश फ्लो है वो हमेशा मेंटेन होकर के चले। मतलब ये है, मतलब ये हुआ कि बिजनेस का जो भी इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट है, बिजनेस जहां जहां पैसे अपनी लगा रही है, ठीक है, अपने काम को सही तरीके से करने के लिए, तो वो जो कैश फ्लो है वो बिजनेस के पास हमेशा होना चाहिए। किसी भी पॉइंट पे ऐसा ना हो कि बिजनेस के पास पैसे ही नहीं है कि वो इस चीज को दे सके, वो किसी का लोन भर सके, ठीक है, वो किसी नया कोई प्रोजेक्ट आया है या कोई नया मशीन आया है मार्केट में जिससे प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो सकता है, बहुत स्पीड हो जाएगा, कंपटीशन बीट हो सकती है, तो पता चला उस मशीन को खरीदने के पैसे नहीं है, ठीक है, तो उस सब सिचुएशन, वो सारी सिचुएशंस नहीं आने चाहिए। ये पहला कंडीशन है, ठीक है। सेकंड आते हैं ICR, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। देखो, बेसिकली इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो रेशियो है, ठीक है, किसका रेशियो है, इंटरेस्ट का, ठीक है, जो हम जो कर्ज ले रहे हैं उसका, जो इंटरेस्ट पे करना है उसका। और इंटरेस्ट और टैक्स जब भी हम लोग पे करेंगे, कब पे करेंगे, तो नॉर्मली फाइनेंशियल ईयर के एंड में करते हैं हम लोग। तो जब हम लोग पे करने जा रहे हैं तो क्या पे करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट, जो हमारा लोन अमाउंट है उसका इंटरेस्ट, और प्लस क्या, टैक्स, जो हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो इन ये जो दोनों चीजें हम लोग पे कर रहे हैं, उससे पहले तक कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, जो प्रॉफिट हुआ या जो अर्निंग हुई, वो अर्निंग और डिवाइड बाय टोटल इंटरेस्ट जो हमने पे करा, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा इसे हम लोग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ अ कंपनी कवर द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन को ध्यान में रखकर, ठीक है, कि हमें पे करना है अपना इंटरेस्ट, ये ऑब्लिगेशन को ध्यान में रख करके जब भी हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स को पे करने जाएंगे तो उससे पहले कंपनी का जितना अर्निंग हुआ होगा, ठीक है, वो कहलाता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे आते हैं डेट सर्विस कवरेज रेशियो। बेसिकली देखो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो DSCR, ठीक है, DSCR ये होता क्या है, तो इट इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक, ठीक है, एक मेजरमेंट हो गया यहाँ पे, फाइनेंशियल मैट्रिक दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड वेदर अ कंपनी जेनरेट्स एनफ कैश टू कवर इट्स डेट ऑब्लिगेशंस एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल पेमेंट, ठीक है। देखो, जो डेट ऑब्लिगेशंस है कंपनी का, जो बाकी बकाया देना है, ठीक है, डेट ऑब्लिगेशन है, उसे वो दे सके, और जो शेयर होल्डर्स का जो प्रॉफिट है, जो हमें देना है, जो डिविडेंड होगा शेयर होल्डर का, वो दे सके, ठीक है। तो DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कंपनी जो है वो दे पाएगी या नहीं, क्या दे पाएगी या नहीं, जो उसका बाकी बकाया है, जो उसका डेट है, और प्लस जो शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है उसे वो चुका पाएगी या नहीं, ठीक है। ये हम लोग किसके द्वारा पता करते हैं, तो DSCR के द्वारा। DSCR का फुल फॉर्म क्या होता है,
डेट सर्विस कवरेज रेशियो। क्लियर हो गया? इट इज लाइक चेकिंग इफ अ कंपनी हैज एनफ मनी टू पे इट्स लोन एंड अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर, रिटर्न टू इन्वेस्ट। ठीक है, रिटर्न टू इन्वेस्ट, ROI। ठीक है, ROI, रिटर्न टू इन्वेस्ट। ये होता क्या है? रिटर्न टू इन्वेस्ट इज अ मेजर दैट इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। देखो, ये एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा हम लोग पता करते हैं, टूल मतलब टूल नहीं है, ठीक है, टूल मतलब एक ऐसा पैरामीटर है जिसके द्वारा हम लोग पता करेंगे कि हम लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें अप्रोक्सीमेटली कितना प्रॉफिट वहां से मिल सकता है। ठीक है, ये हमें कौन बताता है? रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, रिटर्न कितना मिलेगा जब हम लोग चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां से रिटर्न कितना आ सकता है। ठीक है, ये चीज कौन बताएगा? ROI, रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट। सो रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट इज मेजर दैट इंडिकेट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। इट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज एंड शोज हाउ मच प्रॉफिट इज जनरेटेड रिलेटिव टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ROI का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। नेट प्रॉफिट जो हुआ है डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, जो आपने इन्वेस्ट करा है उसे डिवाइड कर दो उसे इनटू 100। ठीक है, फिफ्थ है मेरा कॉस्ट ऑफ डेट। डेट के ऊपर का कॉस्ट बता रखा है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। टैक्स रेट, टैक्स का क्या रेट चल रहा है वो चीज। ठीक है, ये सब चीज छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार रीड कर लेना, इसमें दम नहीं है। नेक्स्ट है मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये भी बता रखा है। इक्विटी पे जो कॉस्ट होगा, इक्विटी का जो एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, वो रोटेशन कॉस्ट समझा रखा है। रिस्क कंसिडरेशन, रिस्क के बारे में बता दिया है। और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? इफ अ फर्म यूजेस इट्स डेट पोटेंशियल टू द फुल। एक फर्म जो है, एक कंपनी जो है, अपना डेट वाला जो पोटेंशियल है उसे पूरा यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, इट लूजेस द फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू फर्दर डेट। ऑब्वियस है ना कि उसने जो है 10 जगह से कर्ज उठा करके बैठी है। ठीक है, पहले से ही 10 जगहों से कर्ज ले लिया है, तो कुछ नया चीज आया तो उसके लिए भी वो कर्ज चाहेगी तो कोई नहीं देगा उसे। क्यों? क्योंकि बोले पहले का तो बाकी क्लियर करो। ठीक है, बोलते भी हैं लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंपनी की जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, वो लूज हो जाएगी, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लूज कर देगा। ठीक है, टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी इट मस्ट मेंटेन सम बोरोइंग पावर्स टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। मतलब बहुत बार ऐसा आता है बिजनेस में कि आपको कुछ चीजें जो है नहीं समझ में आती है, और जब आप बिजनेस में जब घुसोगे तभी आपको वो चीजें रियलाइज होगी, अरे ये चीज पे काम करना चाहिए था, इस प्रोडक्ट को देखना चाहिए था। तो इतना फ्लेक्सिबल हो बिजनेस हमारा या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी, इतनी फ्लेक्सिबल हो कि जब जरूरत हो, जब कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस सामने आ जाए तो सिचुएशन पे उनके पास जो है या तो फंड होना चाहिए या फिर बोरोइंग पावर्स होनी चाहिए कि वो ले सके कर्ज, और या फिर अगर कर्ज के लिए बोले तो 10 और कंपनी आकर के या 10 और जो है लेंडर आकर के खड़े हो जाए, भाई हम आपको दे देंगे कर्ज। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। ठीक है, सो ये है फ्लेक्सिबिलिटी। तो नेक्स्ट है मेरा फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। देखो ये बहुत सिंपल है, 9-10 में भी गिवन होता है ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक में। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब एक ऐसी पूंजी जो फिक्स है, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लगाई हुई है। क्या क्या आता है इसमें? इसमें मशीनरी हो सकती है, इक्विपमेंट हो सकता है, लैंड या बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर्स एंड फिक्स्चर्स हो सकते हैं, व्हीकल्स है, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारी चीजें जो है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट की जाती है उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल। बेसिकली वर्किंग कैपिटल क्या होता है? डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस के अंदर, आप वहां पे जो अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो उसे हम लोग कहेंगे वर्किंग कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का एग्जांपल क्या है? कैश इन हैंड और कैश इन बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फिनिश्ड गुड इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल, प्रिपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सब जो है वर्किंग कैपिटल के एग्जांपल्स। ये वर्किंग कैपिटल और जो है पहला वाला क्या था, फिक्स्ड कैपिटल। अगर इन दोनों के बारे में आपको और जानना है तो
अगेन मैं वही कहूंगा कि जो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाली वीडियो जरूर देखना, क्योंकि अकाउंटिंग का पार्ट है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा वहां पे। वैसे बहुत ज्यादा कुछ इसमें पूछेगा नहीं, एग्जाम्पल्स ही पूछ सकता है कि फिक्स कैपिटल का एग्जाम्पल्स कौन कौन है, या इन सब में से फिक्स कैपिटल का एग्जाम्पल बताओ, मतलब इन सब में से फिक्स कैपिटल कौन सा है। ठीक है, उसी तरह से इन मतलब चार ऑप्शन होंगे आपको, बस उसमें से वर्किंग कैपिटल का एग्जाम्पल पूछ सकता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आराम से कर लोगे। ठीक है, जितना लिखा हुआ है। सो यहीं तक था फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। आई होप चीजें आपको सारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या समझ में आया क्या नहीं आया। अब आते हैं हम लोग रिक्रूटमेंट पे, जो लास्ट क्लास में रह गया था। ठीक है, सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एडविन फिलिपो के अनुसार, रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लोग परस्पेक्टिव एम्प्लॉय को क्या करते हैं, सर्च करते हैं और उन्हें स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो जॉब के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सके। ठीक है, रिक्रूटमेंट इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग दी अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। रिक्रूटमेंट के अंदर मतलब क्या क्या शामिल है कि वैकेंसीज अवेलेबल है या नहीं, और कितनी है तो उसे एस्टिमेट करना कि कितनी वैकेंसीज होंगी, एंड मेकिंग सुटेबल अरेंजमेंट फॉर देयर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट, और सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के लिए सुटेबल अरेंजमेंट करना, ये रिक्रूटमेंट के अंदर आता है। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या है, तो कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द वैकेंसी, वैकेंसी पहचानो कि कौन सी वैकेंसी खाली है, कितनी वैकेंसी खाली है। दूसरा जो स्टेप होगा वो है उन सारी वैकेंसीज का जो जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, जॉब स्पेसिफिकेशन होगा, उसे मेंशन करना। तीसरा रिस्पॉन्सेस को मैनेज करना। चौथा शॉर्टलिस्ट करना कि कौन कौन से एप्लीकेशन ऑथेंटिक है जिन्हें हमें क्या करना है, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाना है। फिर उसके बाद पांचवा स्टेप क्या है, सिलेक्शन का जो अरेंजमेंट है वो करना है। कुछ कोई कॉरिडोर होगा जहां पे आपको सिलेक्शन करवाने होंगे, या फिर अगर आप एग्जाम के थ्रू सिलेक्शन ले रहे हो तो उसके लिए जो है एक हॉल बुक करना होगा जहाँ पे आप इंटरव्यू लोगे, जहाँ पे एग्जाम लोगे। ठीक है, मतलब जो सिलेक्शन का प्रोसेस जहाँ पे होगा, जिस जगह पे होगा, उसे अरेंज करना। और फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है वहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस होगा और फिर इंटरव्यू होगा, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा, फाइनल स्टेप क्या होगा, डिसीजंस लेने होंगे आपको कि कौन से कैंडिडेट सुटेबल है। ठीक है, और किसे हमें सेलेक्ट करना है, किसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ये है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। अब रिक्रूटमेंट से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पहला जो पॉइंट है वो है, ये कहता है कि द रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुड अट्रैक्ट क्वालिफाइड एप्लीकेशंस एंड प्रोवाइड एनफ इंफॉर्मेशन फॉर अनक्वालिफाइड पर्सन टू सेल्फ सेलेक्ट देमसेल्स आउट। रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जिस पर्सन को हमें क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो वो अपने मतलब एक ऐसा प्रोसेस होगा कि जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा वो खुद ही अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल CSIR के एग्जाम में अगर ये मेंशन होता कि जो जिनका जो बैकग्राउंड अकाउंट्स का है या जो अकाउंट्स ग्रेजुएट है वही अप्लाई कर सकते हैं, तो जो अकाउंट्स वाले जो बच्चे होंगे, ठीक है, वही इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, यानी वही अट्रैक्ट होते हैं, और बाकी जो सिंपल ग्रेजुएशन है जिनका, ठीक है, चाहे वो आर्ट्स में हो चाहे वो साइंस में हो, तो पहले ही रेस से क्या हो गए, बाहर हो गए यहाँ पे। तो रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे इस तरीके से डाटा को मेंशन किया जाता है कि जो क्वालिफाइड होने वाले एप्लीकेंट्स हैं वो अट्रैक्ट हों, और जो अनक्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो पहले ही इस चीज को भाप लें कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये सारी क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए वो पहले क्या हो, पहले ही रेस से बाहर हो जाए। ठीक है, दस इस प्रकार जो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है व्हेन द न्यू रिक्रूट्स आर शॉर्ट। ठीक है, नए रिक्रूट मतलब नए इम्प्लॉयज की जब तलाश होनी शुरू होती है, और एंड्स व्हेन एप्लीकेशंस आर सबमिट, और जब इसके लिए एप्लीकेशन सबमिट हो जाते हैं तब क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये एंड हो जाता है। इससे क्या होगा, इससे आपको एक एप्लीकेंट्स बहुत सारे मिल गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन एप्लीकेंट्स में, क्योंकि आपने एक फॉर्म फिलअप करवाया सबसे, तो आपके पास क्या हो गया, एप्लीकेंट्स की एक लिस्ट आ गई। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एप्लीकेंट्स पूल कहेंगे या पूल ऑफ एप्लीकेंट्स कहेंगे। अब इनमें से हमें क्या करना होता है, हमें जो अपने लिए जो परफेक्ट एम्प्लॉय है उसे चूज करना होता है। ठीक है, उसे सेलेक्ट करना होता है, सॉरी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, सिलेक्शन का स्टेप होगा कि हमें जो अपना जो एम्प्लॉय है, जो परफेक्ट एम्प्लॉय है, उसे क्या करना होगा, अब सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मेरा, मैनेजमेंट मस्ट अट्रैक्ट मोर कैंडिडेट इन ऑर्डर मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ द टोटल, होगा यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, टोटल। ठीक है, टोटल कैंडिडेट्स अवेलेबल। देखो, मैनेजमेंट हमेशा ये कोशिश करती है
कि हम ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स को क्या करें, लें, बुलाएं, ताकि जो हमारे जो मोस्ट सुटेबल जो एम्प्लॉय है वो हमें मिल जाए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे मान लेते 5 लोग आए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 में से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन 50,000 लोग आए तो हमारे पास ज्यादा रीच हो गया वहां, तो क्या होगा, उसमें हमें बेस्ट एम्प्लॉय मिलेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो मैनेजमेंट जो है वो हमेशा कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स जो है हमें मिले, ताकि हम जो परफेक्ट होगा, जो मोस्ट परफेक्ट जो कैंडिडेट है उसे हम लोग क्या करें, उसे हम लोग जो है क्या करें, इस अपने एम्प्लॉय को एज एन एम्प्लॉय जो है अपने वर्क के लिए, अपने जॉब के लिए जो है हम हायर कर सके उसे। ठीक है, रिक्रूटमेंट जो है वो पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेंट्स जो है एक होप के साथ आ रहे हैं कि जो है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन वही जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो एक नेगेटिव प्रोसेस है, जहाँ पे हम लोग क्या करना होता है, हम लोगों को मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है और बाकी को एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट कैसा प्रोसेस है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है, और सिलेक्शन कैसा प्रोसेस है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। नेक्स्ट है मेरा सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ से किए जा सकते हैं, तो कुछ इंटरनल सोर्सेस होते हैं, जैसे कि इंटरनल जॉब पोस्टिंग हो गया। ठीक है, मतलब अंदर में ही बता दिया, स्टाफ्स को ही बता दिया कि ये वाली सीट वेकेंट है। ठीक है, या फिर किसी एम्प्लॉय को रिफर कर दिया, जैसे हमें लगा कि ये एम्प्लॉय इस काम के लिए बेस्ट है तो हमने क्या करा, उसे प्रमोट कर दिया कि भाई आज से तू ये काम करेगा। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेस ये पहला है सोर्स रिक्रूटमेंट का। दूसरा एक्सटर्नल सोर्सेस। एक्सटर्नल सोर्सेस में एडवर्टाइजिंग करती है कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन, कैंपस लगाती हैं, जॉब पेयर्स बनाती हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होते हैं, या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं जहां से वो एप्लीकेंट्स को हायर करती हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कंपनी की खुद की वेबसाइट होगी जहां पर उन्होंने रिक्रूटमेंट लिख दिया, ठीक है, करंट जॉब लिख दिया, ठीक है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल, सोशल मीडिया, इन सब जगहों से वो क्या करती है, बंदों को हायर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा प्रोफेशनल नेटवर्क। प्रोफेशनल नेटवर्क्स में बहुत सारे, जैसे लिंक्डइन का नेटवर्क हो गया, वो एक प्रोफेशनल जो है बिजनेस नेटवर्क है जहां से कैंडिडेट्स को हायर किया जा सकता है अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स पे। ठीक है, नेटवर्किंग इवेंट्स होता है, इसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स किए जाते हैं अलग अलग, मतलब जगहों पे जाकर सेमिनार लगाए जाते हैं, और वहां पे जो है ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स से फॉर्म भरवाया जाता है, और उसमें से फिर मोस्ट सुटेबल को क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। तो एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग इसे कहते हैं हम लोग। इसके बाद जो है नेक्स्ट है मेरा डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमने जो है डायरेक्ट जो है क्या करा कि फोन करके जो है बोल दिया कि हमें लगा कि ये जो मेरा एम्प्लॉय है जिसने पास्ट में वर्क करा हुआ है ये मोस्ट सुटेबल था इस काम के लिए, तो हमने उसे एक मेल कर दिया भाई आपको जो है इस नए पोस्ट के लिए रिक्रूट किया जा रहा है, आपको इतने दिन के अंदर अंदर ज्वाइन कर लेना है। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कोल्ड कॉलिंग भी कहलाता है। कोल्ड कॉलिंग में क्या होता है, हमने फोन करा, फोन करके हमने बोला कि आप जो है अभी फ्री हो या फिर आप अभी करंट में जो है कोई जॉब कर रहे हो, तो सामने वाले ने बोला कि नहीं मैं अभी जॉब नहीं कर रहा, तो आपने जो है आपका ये प्रोफाइल मैंने देखा हुआ है और मुझे लगता है कि आप इस जॉब के लिए मोस्ट सुटेबल हो, तो इंटरव्यू देने आ जाओ। इंटरव्यू यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की तरह होती है, दिमाग में ये रहता है कि भाई ये बंदा आएगा और इसे सिलेक्शन देना है, इसे जो है उस जॉब पे बैठाना है। ठीक है, मेलिंग की जाती है, फॉर्मल एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है। ठीक है, ये कुछ सोर्सेस थे रिक्रूटमेंट के। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेगोशिएशन पे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेगोशिएशन के डेफिनेशन की। बेसिकली देखो नेगोशिएशन क्या है, नेगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे दो पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दो पार्टीज कौन सी होंगी, एक मैनेजमेंट होगा और दूसरा एम्प्लॉय होगा या वर्कर होगा। तो दो पार्टीज जो है एक साथ बैठती हैं किसी एक पर्टिकुलर विवादित टॉपिक पे, मतलब एक ऐसा टॉपिक जहां पे दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, दोनों के थॉट कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को लेकर के बैठती है, और एक बीच का रास्ता, मतलब एक ऐसा जो है यहाँ पे रिजल्ट निकाला जाता है, एक ऐसा जो है यहाँ पे कंक्लूजन फाइंड किया जाता है जिससे दोनों को फायदा मिल सके, या फिर दोनों पार्टीज जो है उस डिसीजन पे एग्री हो सके। ठीक है, सो बेसिकली नेगोशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे दो कॉन्फ्लिक्ट पार्टीज जो है आपस में आकर के किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे या कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करती हैं, और एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिसमें दोनों पार्टीज जो है वो क्या कर सके, एक जो डिसीजन है उस पर एग्री हो सके। ठीक है, नेगोशिएशन के 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे समझना जरूरी है। नेगोशिएशन के कितने कैरेक्टर हैं, तो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है कि जो पार्टीज होगी वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होगी। ठीक है, अगर इंटरडिपेंडेंट है तभी तो नेगोशिएशन के लिए आ रही है ना, नहीं तो अड़ी भी रहेंगे, नहीं मेरे को चाहिए, अगर आप नहीं दोगे तो जा मैं नहीं काम करने वाला,
यहाँ पे, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो दूसरी पार्टी होगी वो सबमिसिव हो जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई उसके बगैर काम नहीं होने वाला, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आप ने आपके पास एक ऐसा टैलेंट है जो किसी और के पास नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियस है कि ऑर्गेनाइजेशन विवश है आपको जॉब पे रखने के लिए। आपने बोला कि मैं नहीं रह रहा, आपने सीधा बोला कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं तभी जॉब करूंगा जब मुझे 20 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके लिए अभी माई बाप आप ही बने हुए हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगोशिएशन का कोई रूल ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नेगोशिएशन हो ही नहीं सकता। नेगोशिएशन तब पॉसिबल है जब दोनों पार्टीज जो हैं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। आप डिपेंड हो कंपनी पे कि अगर जॉब छूट गई तो कंपनी जो है क्या करे, तो फिर मुझे दूसरी कंपनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसकी गारंटी नहीं है। मिलेगी भी तो मशक्कत करनी पड़ेगी। आप डिपेंड हो गए कंपनी पे, कंपनी भी यहाँ पे डिपेंड है कि ये इम्प्लॉय गया तो मेरा इतना काम का लॉस हो जाएगा, ठीक है, बहुत हेल्प करता है ये काम में। तो यहाँ पे दोनों पार्टी क्या होगी, एक साथ बैठेगी और नेगोशिएशन करना शुरू होगी। नहीं सर जो है आप मुझे 50 सैलरी दे देते हैं, 50,000, उससे काम नहीं होने वाला, खर्चा बढ़ गया है, 1,00,000 देना पड़ेगा तब जाकर के मैं रहूंगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया इंटरडिपेंडेंट, अगर इंटरडिपेंडेंट है तभी जाकर के नेगोशिएशन होगा। दूसरा जो है, द पार्टीज आर ईच लुकिंग टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट इन द इंटरेक्शन फॉर देमसेल्व्स। मतलब कोशिश ये होता है नेगोशिएशन का कि दोनों जो पार्टीज हैं मिल करके एक जो पॉसिबल रिजल्ट होगा या बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट होगा उसे वो फाइंड आउट कर सके। तीसरा, पार्टीज आर मोटिवेटेड एंड कैपेबल ऑफ इन्फ्लुएंस ईच अदर। मतलब पार्टीज जो है वो मोटिवेटेड होती हैं जब नेगोशिएशन का टाइम आता है, और कोशिश करती है कि मैं अपने पॉइंट रख सकूं और उसके अकॉर्डिंग सामने वाले को मोटिवेट कर सकूं अपने पॉइंट पे कन्विंस करने के लिए। और जो चौथा पॉइंट है, द पार्टीज बिलीव दे कैन रीच एन एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टीज जो है ये मानती है, ये मतलब ये सोच के नेगोशिएशन होता है कि एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे दोनों पार्टी आकर के क्या हो जाएंगे, कन्विंस हो जाएंगे, ठीक है। नेगोशिएशन जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन और जो दूसरा होता है वो होता है इंटीग्रेटेड नेगोशिएशन। जो पहला वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन, ये एक ऐसा नेगोशिएशन है जिसमें दोनों पार्टी में कोई एक पार्टी जो है विन विन सिचुएशन को रीच करती है। मतलब क्या है, मतलब दो पार्टी है, एक हो गया एम्प्लॉयर वाली, एक है मतलब मैनेजमेंट, और एक हो गया मेरा एम्प्लॉय, ठीक है। तो एक मैनेजमेंट एक एम्प्लॉय दोनों जो है किसी एक पर्टिकुलर जो कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक है उस पर बैठे, ठीक है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां पे ये पक्ष जो एम्प्लॉय का जो पक्ष है ये थोड़ा सा वीक है, और जो रिक्रूटमेंट वाला जो पक्ष है, जो मैनेजमेंट वाला जो पक्ष है ये स्ट्रांग है। तो ये जो बोलेगी ये मानना पड़ेगा इसे, ठीक है। यहाँ पे नेगोशिएशन बोल करके नहीं होता कुछ भी, या फिर नेगोशिएशन होता है तो वो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस इंटेंशन के साथ जो है नेगोशिएशन पॉइंट रखा जाता है कि एक अपना प्लस पॉइंट बता रही है और ये कोशिश कर रही है कि मैं डोमिनेट कर जाऊं दूसरे पार्टी के ऊपर में, और दूसरे पार्टी जो है वो भी ये बात जानती है कि भाई अभी मैं यहाँ पे सक नहीं पाऊंगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये लूप होल है। तो इस सिचुएशन पे क्या होता है कि एक पार्टी विन कर जाती है और दूसरी पार्टी वहां पे सबमिसिव होकर के वहां पे रह जाती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो मैनेजिंग वाला जो पार्ट है वही हो, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय वाला जो पक्ष होता है वो बहुत डोमिनेट होता है, और जो मैनेजमेंट वाला जो पार्ट होता है उनके पास ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि एक साथ सारे अगर एम्प्लॉय अगर छोड़ दे तो फिर ठप पड़ जाएगी कंपनी, तो उसे वो भी गड़बड़ है। तो यहाँ भी जो है क्या होता है, इस सिचुएशन में भी जो है एक पक्ष क्या हो रहा है, विन कर रहा है, दूसरा पक्ष जो है उस चीज को चुपचाप यस सर कह के मान ले रहा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन है ये ज्यादा समय तक नहीं चलता। मतलब नेगोशिएशन क्या है, एक एग्रीमेंट है, ठीक है, जहां पे दोनों पार्टी क्या हो रही है, एग्री कर रही है। तो ये एग्रीमेंट जो है ज्यादा समय तक नहीं चलता और जल्दी खत्म हो जाता है। जो दूसरा जो टाइप है इंटीग्रेटेड नेगोशिएशन, ये दोनों पार्टीज जो है यहाँ पे एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देती है, और ये जो विन विन वाला सिचुएशन होता है ये दोनों के लिए होता है। मतलब यहाँ पे जो डिसीजंस ली जाती है वो दोनों पक्ष के हित में ली जाती है, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड नेगोशिएशन होता है वो एक ऐसा नेगोशिएशन होता है जो लंबे समय तक चलता है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन पे। देखो, प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन का जो पहला स्टेप होता है वो होता है कि प्रिपरेशन की जाती है और प्लानिंग की जाती है। मतलब दो पार्टीज है, दोनों पार्टीज का नेगोशिएशन होने वाला है,
तो कहा जाता है कि दोनों पार्टीज जो है इतने तारीख को आएंगे, इतने तारीख को नेगोशिएशन का प्रोसेस होगा। तो क्या करेंगे, दोनों पार्टीज प्रिपरेशन शुरू करेंगे कि हमें अपना कौन कौन सा पॉइंट रखना है, ठीक है, क्या प्लान करना है, किस तरीके से सारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने प्रॉब्लम्स रखेंगे, किस तरीके से जो है सामने वाली पार्टी को कन्विंस करा जाएगा, ये सारे इन सभी चीज़ों की प्लानिंग होती है। तो जो फर्स्ट स्टेप है नेगोशिएशन का, उसमें क्या होगा, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग होगी। उसके बाद जो है डेफिनेशन एंड ग्राउंड रूल्स, मतलब कुछ रूल्स डिफाइन करे गए हैं कि भाई नेगोशिएशन में झगड़ा मतलब बैठे तो ये नहीं कि मारपीट शुरू कर दे कि भाई क्यों नहीं मानेगा, तो इसे मानना पड़ेगा, वो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशंस होंगे यहाँ पे, कुछ ग्राउंड रूल्स होंगे, आपको सारी चीज़ें सारा प्रक्रिया समझना होगा कि कैसे हम लोग नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा मेरा क्लेरिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन का, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्लेरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन में हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, उसे हम क्लेरिफाई करेंगे कि इसका क्या प्रॉपर सॉल्यूशन होगा जो हमारे हित में होगा, और जो है हम क्यों, ये जो हम लोगों ने जो ये नेगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण है वो क्यों है, हम लोगों के साइड से क्या इश्यूज हो रही हैं, उसे क्लेरिफाई करना, जस्टिफाई करना, ये तीसरा स्टेप है। उसके बाद जो चौथा स्टेप होगा वो क्या होगा, बार्गेनिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। वो कहेंगे कि मैनेजमेंट वाली पार्टी कहेगी नहीं भाई इस तरीके का कुछ करो, ठीक है, जबकि जो एम्प्लॉय वाला जो वर्क होगा वो बोलेगा नहीं सर ऐसे करेंगे तभी हम लोगों का भला होगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बार्गेनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया शुरू होगी और इसका एक डिसीजन लिया जाएगा फाइनल में, और जैसे ही डिसीजन होगा तो उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा और फिर नेगोशिएशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरा प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, छोटे छोटे टॉपिक्स थे दोनों मैंने कवर करवा दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें बाकी के पार्ट्स को मैं कंपाइल करके दूंगा, और लेट होता है क्योंकि चीजें जिस लेवल की बनानी होती हैं अगर वो नहीं मिले तो वो भी गलत होगा आप सभी के साथ, ठीक है। तो डिले हुआ इस वीडियो के लिए, उसके लिए मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो एथिक्स के ऊपर में होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।